हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त अरियंत। दोस्तों, चैप्टर 5 लेकर आ गया हूं आपके लिए। फाइनल चैप्टर अपनी जो EIS की सिलेबस है उसके अंदर कोर बैंकिंग सिस्टम्स, एंड इसके साथ पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा हमारा समाप्त। उम्मीद कर रहा हूं जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स थे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंड आपकी जो पढ़ाई है वो एकदम सॉलिड चल रही होगी। EIS SM में 60+ लाना है दोस्तों। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्लासेस मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पाथवे टू सीए विद सीए अरियंत पर। आप वहां पर जाकर पूरे के पूरे 8 चैप्टर्स फ्री में फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटेरियल रेफर कर सकते हो, एंड ये 5 चैप्टर्स आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। सो आई डू नॉट सी अ रीजन व्हाई यू शुड नॉट बी गेटिंग 60+ इन EIS SM। तो दोस्तों, चैप्टर 5 हम क्विकली स्टार्ट करते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम। बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, हम समझने वाले हैं जो पूरा बैंकिंग फ्रेमवर्क है। आज बैंकिंग फ्रेमवर्क इतना इंटीग्रेटेड हो गया है, इतना डिपेंडेंट हो गया है IT इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। हर कुछ आपका जो बैंकिंग रिलेटेड जो भी आपके ट्रांजेक्शन है सब आपके मोबाइल फोन पर हो जाते हैं। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग IT नेटवर्क दैट इज देयर इन दिस कंट्री। चाहे वो आपका मोबाइल ऐप हो, चाहे वो बैंकिंग ऐप हो आपका मोबाइल पे, चाहे वो पेटीएम जैसे UPI जैसे इंटरफेसेस हो जो हेल्प करते हैं आपको मनी ट्रांसफर करने में। आपको अगर डीमैट अकाउंट खोलना है, आपको अगर फिक्स डिपॉजिट लेना है, आपको अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलनी है, विद जस्ट द क्लिक ऑफ बटन यू कैन ओपन इट। पहले आपको जाना पड़ता था, फॉर्म फिल करना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, बट ऑल दैट इज नाउ अ थिंग ऑफ द पास्ट। एनी गुड रिटेल बैंकिंग अगर आप यूज करते हो, एनी गुड प्राइवेट बैंकिंग अगर आप किसी के साथ जुड़े हुए हो, कोई भी अच्छी नॉर्मल रेप्यूटेड बैंक के साथ, यू विल गेट ऑल दीज फीचर्स ऑन योर हैंड हेल्ड डिवाइस। एंड दैट इज द रीजन वाई इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑडिटर और फ्रॉम एन ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू टू अंडरस्टैंड कि क्या रिस्क हैं IT रिलेटेड, क्या कंट्रोल्स होने चाहिए एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ताकि जो रिस्क एनवायरनमेंट है वो स्ट्रांग रह सके। दोस्तों, फर्स्टली फ्रॉम अ चैप्टर इंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि इंस्टीट्यूट हैज पिक्ड आउट बैंकिंग सर्विसेज एज एन एंटायर चैप्टर। दे कुड हैव डन इट विथ मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज जहां पर IT इन्वॉल्व होता है, बट दे हैव सेलेक्टेड बैंकिंग। प्रोबेबली बिकॉज आजकल जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन इतने कॉमन हो गए हैं ऑनलाइन, मे बी बिकॉज ऑफ दैट इंस्टीट्यूट वेंट अहेड एंड मेड दिस एन एंटायर सब्जेक्ट ऑन इट्स ओन। खैर, बनाया है तो पढ़ेंगे हम। ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड रिलेटेड IT रिस्क एंड कंट्रोल, अभी मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन दिया दैट वॉज समथिंग लाइक एन ओवरव्यू। जो टेक्नोलॉजी वाइड स्प्रेड हो गई है दैट इज अ कॉमन नॉलेज नाउ। मे बी 3 और 4 ईयर्स अर्लियर जब ये चैप्टर्स पढ़ते थे लोग या ये टॉपिक्स पढ़ते थे, इट वुड हैव बीन न्यू। बट अभी तो ऐसा हो गया कि बच्चा बच्चा पेटीएम जानता है, ATM यूज करना जानता है, बैंकिंग ऐप चलाना जानता है, एंड यू नो डोंट नीड टू गो टू बैंक्स एनी मोर। ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, क्या क्या बैंकिंग सर्विसेज है। पहले जो बैंकिंग सर्विसेज थी, जो कोर फंक्शंस थी, वो जनरली थी एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ मनी, यानी कि आपके पैसे रखेगी एंड आपको पैसे देगी लोन के तौर पर। दिस इज द कोर बैंकिंग एक्टिविटी दैट इज। जैसे मोबाइल फोन की कोर एक्टिविटी क्या है, मोबाइल फोन की कोर एक्टिविटी है बात करना, कॉलिंग करना। बाकी सब एक्टिविटीज जो एक्चुअली अब हम ज्यादा करते हैं मोबाइल फोन के ऊपर, दोज आर नॉट दी कोर एक्टिविटीज। कोर एक्टिविटीज आपको किसी के थ्रू कम्युनिकेट करना है, किसी को कम्युनिकेट करना है, आप कर सकते हो। दैट इज वॉट योर टेलीफोन कोर एक्टिविटीज। वैसे ही बैंकिंग का जो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ मनी इज द क्रिटिकल एक्टिविटी। बाकी की फीचर्स ऑफ अ बैंकिंग बिजनेस आर एज फॉलोज। कस्टडी ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ मॉनेटरी आइटम्स जैसे कि कैश, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब सब उसकी कस्टोडियन है आपकी बैंक। डीलिंग इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, रोज लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं जो अपना इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है या ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर, दे आर मेनी 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 मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आर कैरिड आउट ऑन अ डेली बेसिस वर्थ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीज या फिर डॉलर्स। ऑपरेटिंग थ्रू अ वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट्स। बैंक हम सबको पता है, अगर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वन सिटी, वन स्टेट, वन डिस्ट्रिक्ट। इट इज अक्रॉस द कंट्री, नॉट ओनली कंट्री, इट इज अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया, आप श्रीलंका जाओगे, नेपाल जाओगे, सब जगह आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच मिल जाएगा। काफी सारे कंट्रीज में बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। सो मल्टीनेशनल बैंक है, अभी जैसे HSBC है, इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ING बैंक है, इट इज देयर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ABN AMRO है, देयर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बैंक काफी जगहों पर अपने ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट्स खोल के रखती है। इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड दस बैंक डायरेक्टली डील विद मनी। ऑब्वियसली पैसा है तो फ्रॉड होगा ही। अभी पहले चोरी होती थी बैंक में, पहले डकैती होती थी बैंक में,
एटीएम की ट्रक को लूट लेते थे, कोई एटीएम मशीन को लूट लेते थे, कोई अब क्या करेंगे, अब आपको हैकिंग करके लूट लेंगे पैसा, या फिर फ्रॉडुलेंट फिशिंग बोल के एक एक्टिविटी होती है उससे लूट लेंगे पैसा। तो फ्रॉड की जो पॉसिबिलिटी है ऑलवेज वेरी हाई बिकॉज यू आर डीलिंग विथ हार्ड कैश एट ऑल टाइम्स। मेजर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो अभी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा बैंकिंग सर्विसेज का, अब हम देखते हैं जो कमर्शियल बैंक्स है, जो रेगुलर बैंक्स है, उनके क्या क्या एक्टिविटीज है, क्या क्या कोर एक्टिविटीज है, क्या क्या फीचर्स है, या क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट यानी कि आपके पैसे लेकर वो पैसों को रखेगी, उसके ऊपर आपको वो थोड़ा सा इंटरेस्ट देगी, इट एक्ट्स एज अ कस्टोडियन टू योर मनी। करेंट अकाउंट खोलोगे, सेविंग्स अकाउंट खोलोगे, रिकरिंग डिपॉजिट खोलोगे, सेविंग कम टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हो आप, एंड दे विल टेक योर मनी एंड दे विल कीप इट विद देम गिविंग यू सम इंटरेस्ट। ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस, सबसे बड़ा एक्टिविटी बैंक का होता है ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस, पैसे देती है आपको लोन के तौर पे, ओवरड्राफ्ट के तौर पे, बाय डिस्काउंटिंग योर बिल्स, टर्म लोन्स देती है आपको, अलग अलग फैसिलिटी जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी देती है बैंक, जिससे कि आप पैसे उठा सको बैंक से एंड अपना बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए आप उस पैसे को यूज कर सको। रेमिटांसेस, रेमिटांसेस इन्वॉल्वमेंट यानी कि ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये इसमें क्या होगा, टू ऑफ द मोस्ट कॉमन मोड्स ऑफ रेमिटांसेस ऑफ फंड्स आर डिमांड ड्राफ्ट एंड टेलीग्राफिक मेल ट्रांसफर। सो बेसिकली क्या है, आप जाओगे एक बैंक में पैसा भरोगे एंड एक डिमांड ड्राफ्ट देगा आपको, यू कैन गिव इट टू एनी अदर बैंक, दे विल गेट इट इन कैश, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ कैश ओनली, इट्स अ लिटिल मोर सेफर क्योंकि एक वो कैश फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता, बट जो बैंक का डिमांड ड्राफ्ट होता है वो रहता है, एंड द ट्रांसफर इज हैपनिंग फ्रॉम बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ऐसा नहीं है कि मैं डिमांड ड्राफ्ट लाके किसी के पास लेके जाऊंगा एंड कैश विड्रॉ कर लूंगा, इट विल ओनली हैपन फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर, एंड दैट मेक्स इट क्वाइट सेफ। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आपकी जो NEFT RTGS स्कीम्स है, सर्विसेज है, आप अपने मोबाइल फोन पे बैठे बैठे आप उसको जब चाहे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। सो दोज आर कपल ऑफ फीचर्स ऑफ अ बैंक। कलेक्शंस, आपके जो कलेक्शंस करना है, चेक्स कलेक्ट करना है, ड्राफ्ट्स कलेक्ट करना है, पे ऑर्डर्स कलेक्ट करना है, कलेक्ट मतलब बैंक खुद जाके कलेक्ट नहीं करेगी, बट व्हेन यू प्रेजेंट इट टू देम दे विल फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ मनी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चेक लेके जाके देना है एंड वो अपने आप जो पीछे पीछे क्लियरिंग होती है एवरी डे एवरी वीक बेसिस पे, बैक एंड पे क्लियरिंग, बैंक टू बैंक सब ट्रांसफर हो जाता है पैसा एंड यू नीड नॉट वरी। तो इससे होता क्या है, योर लाइफ इज बिकमिंग इजी, आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, कैश एक जगह से दूसरी जगह मूव करना नहीं है, वेरी सिंपली यू कैन जस्ट प्रेजेंट अ पीस ऑफ पेपर विच द बैंक knows and accepts as a valid instrument of money and then they will do the rest of the things to get money to you. Clearing, clearing यानी कि bank settlement, bank transactions के जो भी settlements होते हैं आप अगर check present करते हो, so there is a process by which entire clearing happens. अभी जैसे आप bank के नीचे जो एक code देखते हो, नीचे 10 digit का या 9 digits का code होता है which is called MICR code, magnetic ink character recognition code. MCR is a technology which allows machine to read and process checks, enabling thousands of check transactions in a short time. MICR code is usually a 9-digit code. So, MICR code, अगर आप अपने check के नीचे देखोगे, there is a code which is given which is of 9 digits. उस code के होने से होता क्या है? It is an electronic reading system. Somebody does not have to sit and type all these numbers. आप बस scan करोगे या machine के आगे present करोगे, automatic read होते जाएगा check and it will very easily be जो ट्रांजेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा विथ मिनिमम टाइम बीइंग स्पेंट ऑन दिस एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर क्लियरिंग। ECS टेक्स टू फॉर्म, ECS क्रेडिट और ECS डेबिट। तो बेसिकली यहां पर ये दोनों चीजें आपको पढ़नी है, इनकेस यू नो 2 माह या 4 माह का क्वेश्चन आ जाता है कि वॉट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यू नीड टू सर्विसेज, यू नीड टू नो दीज टाइप्स ऑफ ECS सर्विसेज। ECS क्रेडिट, there is a single receiver of funds from a large number of customers, example public utilities, mutual funds, etc. The beneficiary obtains mandates from its customers to withdraw funds from their specified bank accounts on a specific date. yani ki aap agar mutual funds mein transfer kar rahe ho paisa, aapne ho sakta hai ek payment laga ke rakha hai ki ha bhai is mutual fund mein is date par is time par itne paise transfer hone chahiye, to wo mutual funds wala aapke yahan se paise nikal lega, aapke bank account se paise transfer ho jayenge automatically us mutual fund ke andar, that is called electronic clearing services credit. You don't have to tell the bank again and again ki ha bhai paise nikalo paise nikalo, it will automatically be detected. aajkal paytm pe aap schedule kar sakte ho apna electricity payment, public utility hai wo jahan aapke paise automatically withdraw कर लिए जाएंगे।
ECS debit. There is a single account to be debited against which many accounts with a number of banks in the same clearing house area are credited. इसमें क्या होता है, यानी कि एक बैंक अकाउंट से पैसा निकलता है और बहुत सारे बैंक अकाउंट्स को पैसा चले जाता है. बेसिकली इन केस ऑफ पेमेंट्स ऑफ सैलरीज, सपोज इफ रिलायंस इज पेइंग सैलरीज, तो रिलायंस वाला पैसा एक बैंक अकाउंट में रखेगा अपना, उस बैंक अकाउंट में से निकाल के मैं हजारों बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दूंगा. दैट इज माय ईसीएस डेबिट. ऑल दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली, नोबडी हैज टू सिट एंड फीड एक एक नाम, एक एक अमाउंट, वो सब कुछ नहीं होता, सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज दैट बैंक्स ऑफर दीस डेज. लेटर ऑफ क्रेडिट्स एंड गारंटीज, बेसिकली ये यूज होता है आपके ट्रेड में. लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी क्या होता है, बैंक जो है वो लेती है गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर. अगर समझ लो मैं एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहा हूँ कोई सामान, एंड द एक्सपोर्टर वॉन्ट्स एन अश्योरेंस कि भाई जो गुड्स एक्सपोर्ट हो जाएंगे उसके बाद मुझे पैसा मिल जाएगा मेरा, तो जो इम्पोर्टर है दे विल ओपन अ लेटर ऑफ क्रेडिट विद द बैंक, हु इन टर्न विल गारंटी टू द एक्सपोर्टर कि हाँ भाई लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन किया गया है मेरे साथ, इफ दिस पर्सन फेल्स टू पे या इवन इफ दिस पर्सन पेज और डज नॉट पे, वो सब बात की बात है, इस तारीख को आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, हम अपना सेटलमेंट खुद कर लेंगे, यू नीड नॉट वरी. गारंटी भी सिमिलरली, कोई ऑब्लिगेशन, कोई अगर प्रूफ ऑफ या फिर कोई कंफर्ट देना है कि हाँ पैसे मिल जाएंगे एक बैंक को या फिर एक कस्टमर को, एक्सपोर्टर को, देन गारंटीज आर गिवन और गारंटीज आर रेस्ड ऑन द बायर ऑफ द गुड्स कस्टमर, जिसको भी रेस करना है, so that the bank will then remit the money on a decided date and time irrespective of whether the person who was supposed to pay to the bank is paying or not. Credit card, debit card मैं नहीं discuss करूंगा, आप read कर लीजिए because this is very common. Credit card क्या होता है, debit card क्या होता है, हम सबको पता है. Other banking services, key types of transactions relating to banking activities, back-end operation. Back-end operation यानी कि management of all my data, जो bank के पास इतना data है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है, देर विल बी अ टीम विच इज द बैक ऑपरेशन, जो एक रिपोर्टिंग प्रेजेंट करेगी, स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट करेगी, एनालिसिस प्रेजेंट करेगी कि बैंकिंग जो सर्विसेज है, जो मेरा डे टू डे वर्क है वो कैसा चल रहा है. रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग यानी कि थोड़ा डायरेक्ट रिटेल सर्विसेज कस्टमर्स को देती है, जैसे बड़े कस्टमर्स हो गए उनको डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको टिकट बुक करना है से फ्लाइट का या फिर होटल का या फिर आपको किसी मूवी का टिकट बुक करना है, सो यू गेट मेनी सच ऑप्शंस ऑन योर मोबाइल बैंकिंग ऐप. सो बहुत सारे छोटे छोटे सर्विसेज वैसे स्टार्ट किए हैं बैंक्स ने. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो जैसे SBI का एक बैंक होता है विच इज एन एलीट बैंक काइंड ऑफ अ थिंग, जो सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए एक्सक्लूसिवली है जिनके अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा या 1 करोड़ से ज्यादा रुपया जमा होता है. सो दैट इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनको स्पेशल सर्विसेज देते हैं, उनको ज्यादा इजीली यू नो टाइम, कम टाइम में उनको उनके काम हो जाते हैं, अगर लोन चाहिए तो ज्यादा इजिली प्रोसेस हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट विल बी डन. बेसिकली इट इज ओनली टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि आप हमारे बहुत बड़े कस्टमर हो, आप इंपॉर्टेंट कस्टमर हो. रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी ऑफ अ बैंक. ऑफकोर्स इट इज नॉट अ की कोर एक्टिविटी, बट जो आपका पैसा, आपका जो ट्रस्ट उस बैंक पर है वो बने रहना चाहिए फ्रॉम अ टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम यू नो एन ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बैंक टू मैनेज इट्स रिस्क. स्पेशलाइज सर्विस, काफी सारे अलग अलग सर्विसेज होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, अंडर राइटिंग, अलग अलग क्लेम्स, ब्रोकिंग, डीमैट अकाउंट, ये सब सब स्पेशलाइज नॉन कोर सर्विसेज में आ जाती है बैंकिंग. नेक्स्ट आ जाइए चैलेंजेस ऑफ IT के ऊपर. दोस्तों जो ये एनवायरनमेंट है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए बैंक्स को, बहुत सारे इनहेरेंट जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस है वो बैंकिंग को भी एप्लीकेबल हो जाते हैं. काफी सारे जनरल हमको भी पता है कि IT फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर डेवलप करना, सर्वर रखना, सिक्योरिटी रखना इज नॉट वेरी सिंपल, प्लस टेक्नोलॉजी रोज रोज चेंज होती रहती है तो उसको रोज अपग्रेड करते रहो, जो मॉनिटरी कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो इंप्रूवमेंट कॉस्ट है, दोज आर ऑल्सो एक्सट्रीमली हाई. क्या क्या IT रिस्क एंड चैलेंजेस है, फ्रीक्वेंट चेंजेस और ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, रोज के रोज टेक्नोलॉजी बदल जाती है, यू नीड टू कीप इन्वेस्टिंग, कीप मेकिंग अ टेक्नोलॉजी इवन बेटर, एंड उसमें पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी लगता है, प्लस ऑलवेज देयर इज अ रिस्क कि अगर टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई देन योर बैंकिंग सर्विसेज विल नॉट बी अप टू द मार्क.
मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम्स। जो बैंकिंग सिस्टम है, आप पैसे की एक्सचेंज कर रहे हो, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ क्रिटिकल एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू एंश्योर कि पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है दैट इज वेरी साउंड एंड एक्सट्रीमली फुल प्रूफ। तो जो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क बनते हैं, एक बैंक से दूसरा बैंक, आप घर बैठे बैठे अपने बैंक एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, नॉट ओनली विद इन द सेम बैंक बट अलग अलग बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, नॉट ओनली विद इन द सेम कंट्री बट अलग अलग कंट्रीज में ट्रांसफर कर रहे हो, जस्ट इमेजिन कितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, स्पेशली बिकॉज मनी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। एक गलत ट्रांजेक्शन, एक गलत मिस्टेक फ्रॉम द एंड ऑफ द बैंक एंड आपके लाखों करोड़ों रुपए गलत ट्रांसफर हो सकते हैं या गायब हो सकते हैं। दैट इज वाई इट इज अ वेरी बिग आईटी रिस्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द आईटी स्ट्रक्चर्स। Different types of structures for different types of technology systems, different types of controls, माफ कीजिएगा, for different types of technology, हर एक technology के लिए अलग type का control होना चाहिए या फिर होना पड़ता है। अलग अलग technologies, नई technologies आती रहती है, नई technologies के साथ नई risks आती रहती है। पहले एक hacking की हो गई, data loss की हो गई, data copy होने की हो गई, phishing की हो गई, email के through आपको बेच के बेवकूफ बनाते हैं phishing के अंदर। अलग अलग टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे जो रिस्क है वो बढ़ते जाते हैं। एंड टू बी एबल टू मिटिगेट, आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट ऑल दिस न्यू रिस्क इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर अलाइनमेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट सिस्टम्स एंड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अभी जो कोर बैंकिंग सिस्टम है उसको हमेशा आपको एंश्योर करना पड़ेगा जो भी लीगल फ्रेमवर्क है उससे हमेशा कंप्लाइड है। अभी इंडिया में ही आप देखोगे रोज लीगल फ्रेमवर्क चेंज हो जाते हैं बैंक्स के, रोज नए रूल्स रेगुलेशंस बैंक के ऊपर आ जाते हैं, जैसे KYC आ गया, आधार कार्ड लिंकेज आ गया, पैन कार्ड लिंकेज आ गया, कुछ ना कुछ आते ही रहता है। इवन हाउ बैंक्स आर कंडक्टिंग देयर ट्रांजैक्शंस, क्या पेनल्टीज, क्या फाइंस, कैसे उनको कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करना है, ऑल दैट इज हेविली रेगुलेटेड बाय RBI एंड अदर मॉनेटरी लॉज इन दिस कंट्री। एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर जो भी आपका IT प्लेटफॉर्म यूज करेगी बैंक, उसके अंदर भी ये लॉजिक्स, ये रूल्स, ये रिक्वायरमेंट्स आपको बिल्ड करने पड़ेंगे। एंड दैट ऑब्वियसली इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चैलेंज क्योंकि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ये लॉजिक्स को अपडेट करना पड़ेगा। डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ IT सर्विसेज। हर एक IT सर्विस क्या होता है, इन हाउस नहीं कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं अपना बैंक खोल रहा हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू रिक्रूट थाउजेंड्स ऑफ IT प्रोफेशनल्स टू मेंटेन माई बैंकिंग सर्विसेज, तो मैं क्या करूंगा, आई विल आउटसोर्स दिस सर्विस टू सम एक्सपर्ट, जैसे कि कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, HCL, ये सब दीज पीपल आर दी एक्सपर्ट्स। देयर जॉब इज टू एंश्योर कि हाँ, हजारों का मैनफोर्स लगा के दे विल help me run my banking business from an IT standpoint of view. लेकिन once I outsource some work to a third party, होता क्या है, फिर मुझे उनके ऊपर dependent रहना पड़ता है, उनके लोग, उनका timings, उनके policies, उनके procedures, मेरा contract उनके साथ, बहुत difficult हो जाता है manage करना, but then that is a part of your banking services and you cannot avoid it. It is a very big challenge from an IT point of view. Vendor related concentration risk. एक वेंडर नहीं, देर आर मल्टीपल वेंडर्स डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स फॉर अ बैंक इन ऑर्डर टू एंश्योर कि जो बैंक की सर्विसेज है, IT सर्विसेज, वो रनिंग अप एंड रनिंग रहे। अभी अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग हार्डवेयर, अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग सिस्टम्स सबको मर्ज करके चलाना, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर एनी बैंकिंग सर्विसेज। इनका जो कोऑर्डिनेशन है, सबका कोऑर्डिनेशन, इट शुड बी एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट फ्रेम, इन द राइट वे, तभी जाकर आपका जो बैंकिंग सर्विसेज है वो काम करेंगे, वरना इट विल स्क्रू अप योर एंटायर जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडिंग है टू कस्टमर्स। एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी बिग चैलेंज फ्रॉम एन IT पॉइंट ऑफ व्यू। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, बैंकिंग जब ऑनलाइन की हम चीज की बात करते हैं, इट इज वेरी इजी कि मैं आपका पासवर्ड लेके आपका कुछ इनलीगली कर दूं, या फिर मैं दो ऐसी एक्टिविटीज कर रहा हूं विच आर डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्टिंग एंड वेरी इजिली आई कैन डू अ फ्रॉड। तो क्लियर मैपिंग होना बहुत जरूरी है, कौन क्या चीज को एक्सेस कर सकता है, कौन क्या ट्रांजेक्शंस प्रोसेस कर सकता है, कौन किस रिपोर्ट्स को देख सकता है, सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होना, सेग्रीगेटेड होना जो आपकी ड्यूटीज है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो वेरी बिग रिस्क इन द IT एनवायरमेंट फॉर अ बैंक। अगर उस रिस्क को मिटिगेट नहीं करते हो देन देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर फ्रॉड या फिर कुछ बड़ा एरर होने का।
एक्सटर्नल थ्रेट्स लीडिंग टू साइबर फ्रॉड्स क्राइम, हैकिंग, साइबर फ्रॉड्स क्राइम बहुत बहुत कॉमन हो गए हैं आजकल, मतलब नॉट ओनली थ्रू आईटी फ्रेमवर्क। मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला था कैसे जीपे के थ्रू किसी ने मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की। इट वॉज नॉट आईटी रिलेटेड फ्रॉड फ्रॉम अ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, बट इन जनरल दैट वॉज एन आईटी, दैट वॉज अ फ्रॉड विच वॉज हैपनिंग ऑनलाइन विथ मी यूजिंग माई बैंक। आई वॉज लकी इनाफ कि मैं कैसे भी समझ के बच गया उस फ्रॉड से। मैंने उसका वीडियो डाला है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जीपे फ्रॉड बोल के कुछ आप सर्च कर सकते हैं एंड यू विल गेट इट। बट देन इट इट कैन हैपन विद एनीबडी एंड इट हैपन्स विद एनीबडी। आपके क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होते हैं, डेबिट कार्ड फ्रॉड होते हैं, विच इज वेरी डे टू डे। इसके लिए अच्छा फ्रेमवर्क बनाना बैंकिंग सिस्टम्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हायर इम्पैक्ट ड्यू टू इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्ट्स ऑफ इंटरनल एम्प्लॉयज। अभी वी इंटरनल एम्प्लॉयज अगर फ्रॉड करने पे उतर आए बैंक के अंदर, दे नो द सिक्योरिटी सिस्टम्स, दे नो क्या फ्रेमवर्क्स है, दे नो कैसा एनवायरमेंट है बैंक के अंदर, अगर वो लोग फ्रॉड करने पे उतर आए, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैंक टू कैच एंड यू नो बी एबल टू रेक्टिफाई या फिर फिक्स इट, बिकॉज डायरेक्टली मनी डील होता है उसमें एंड द एम्प्लॉयज नो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट वीक पॉइंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इजिली इट कैन बी एक्सप्लॉयटेड। न्यू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स एम्प्लॉयड टू एक्वायर कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल्स। आजकल आपका डेटा चोरी करने के लिए जो भी आपके कस्टमर आप एंटर कर रहे हो आईडी पासवर्ड, आपका स्क्रीन कोई पीछे से शेयर कर लेगा, मतलब दे विल सेंड सम वायरस टू योर कंप्यूटर एंड दे विल सी व्हाट एवर यू आर टाइपिंग। नए नए टाइप के फ्रॉड निकल रहे हैं। कोई बेवकूफ बना के आपको फोन करता है कि हम आरबीआई से बोल रहे हैं आपको आपका आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा वरना आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। आप डर के अपने क्रेडेंशियल्स दे देते हो एंड पीपल डू फ्रॉड। तो इन टाइप के फ्रॉड्स के अगेंस्ट बचाना इज ऑल्सो वेरी बिग चैलेंज फॉर दी बैंक्स। नीड फॉर गवर्नेंस प्रोसेस टू एडिक्वेटली मैनेज टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। सीनियर मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है टू एंश्योर कि जो फ्रेमवर्क बन रहा है आपका, जो सिक्योरिटी पॉलिसीज, फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इज ऑल फुल प्रूफ एंड द सीनियर मैनेजमेंट ऑन अ टाइम टू टाइम बेसिस इज रिव्यूइंग जो आपका एनवायरमेंट है, आईटी स्ट्रक्चर, दैट इट इज कंप्लीटली फुल प्रूफ। नीड टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस प्रोसेस इन इवेंट ऑफ मेजर एक्सीजेंसीज। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए बैंक में, अब बैंकिंग सिस्टम शुड नॉट बी डाउन। अगर 10 मिनट के लिए भी एक बैंकिंग सिस्टम एक कंट्री का डाउन होता है, यू विल बी लूजिंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वर्थ ऑफ बिजनेस। दैट इज वाई बैकअप प्लान्स फॉर अ बैंकिंग इंडस्ट्री इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट ऑलवेज बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि इतने सारे ट्रांजेक्शन, इतना सारा डेटा स्टोर होता है एवरी मिनट, that having a real time backup is expensive, is difficult and is a really really tedious task for a bank. IT risk and risk assessment, basically risk and risk assessment सबको करना है। यहाँ पर बैंक के बारे में हम बात करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी रिस्क है उनके रिस्क असेसमेंट कैसे करोगे। सी ऑटोमेटेड बैंकिंग सर्विसेज में द रिस्क इज ऑलवेज गोइंग टू बी हायर। जब आप इन पर्सन जाते हो तो आदमी आपको देख के, आपका फॉर्म लेके, उस पर साइन करके, फिर धीरे धीरे टाइप करके, सब कुछ एक प्रोसीजर से होता है। एटलीस्ट यू आर सीइंग, आपका सीसीटीवी में आप कैप्चर हो जाओगे, कल को कुछ फ्रॉड हुआ तो आपको लाके मैं पकड़ भी सकता हूँ। बट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, जब आप किसी के फोन से कुछ भी कर रहे हो, आप जब फोन से करोगे, इफ यू आर डूइंग अ फ्रॉड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कैच। आप वीपीएन यूज करके इंडिया में बैठ के और कहीं के नेटवर्क के थ्रू घुस के आप कुछ भी काम कर सकते हो एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस यू बैक। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर रिस्क्स एंड हाउ टू मिटिगेट देम। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिस्क? रिस्क इज अनसर्टेनिटी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। रिस्क कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इन सिंपल टर्म्स, रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल हार्म कॉज्ड इफ अ थ्रेट एक्सप्लॉइट्स अ पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी टू कॉज डैमेज टू एन एसेट। बेसिकली कुछ आपके में शॉर्टकमिंग है आपके प्रोसेस में, उसको एक्सप्लॉइट करके, उसको मिस यूज करके कुछ आपके एसेट के ऊपर डैमेज हो रहा है, दैट इज योर रिस्क। रिस्क, सी दिस इज इंग्लिश, आपको याद करना है, बट अब सबको पता है रिस्क क्या होता है। रिस्क एनालिसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी रिस्क दैट आर एग्जिस्टिंग, डिटरमाइनिंग उनका इंपैक्ट क्या हो सकता है, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, एंड वेदर इट इज अ डायरेक्ट रिस्क, इनडायरेक्ट रिस्क, आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसे उससे इंपैक्ट हो सकता है, एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द सिस्टम, द इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ योर बैंक फ्रॉम दीज रिस्क। These risks lead to a gap between the need to protect systems and the degree of protection applied. The gap is caused by widespread use of technology. बहुत ज़्यादा technology use करूँगा, there is always a chance कि that technology is not well integrated या फिर कुछ ना कुछ loopholes है मेरी technology implementation के अंदर. Elimination of distance, time, space constraints. Basically now it is very easy for me, घर बैठे बैठे कहीं से भी,
मैं अमेरिका में बैठ के इंडिया के बैंकिंग का हैकिंग कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ. इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर द बैंक टू हैव अ कंट्रोल कि कौन कौन यूजर कहाँ कहाँ से एक्सेस कर रहा है, कब एक्सेस कर रहा है. ट्रांजेक्शन हैपन 24/7 आजकल. दिन है, रात है, बैंक बंद है, बैंक खुला है, आई कैन स्टिल ट्रांसफर मनी जीपे से एंड इमीडिएटली माई मनी विल गो इन टू योर बैंक अकाउंट इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा दिन कौन सी रात. वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल ऑफ दीज. डेवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. जो फेस टू फेस बैंकिंग, जो फिजिकल बैंकिंग होती है, उसमें एक इन्वॉल्वमेंट रहता है सबका. बट ऑनलाइन बैंकिंग में कोई आदमी दिखता ही नहीं. कंप्यूटर इज इंटरेक्टिंग विद कंप्यूटर. एक आदमी इनपुट कर रहा है, बट एवरीथिंग एल्स इज हैपनिंग वाया कंप्यूटर. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैनेजमेंट टू कंट्रोल वॉट इज हैपनिंग. रिस्क आर मिटिगेटेड बाई इंप्लीमेंटिंग रिस्क असेसमेंट. दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी, पोटेंशियल इम्पैक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ हार्म दैट अ लॉस ऑफ सिक्योरिटी वुड हैव and the identification and analysis of security controls for information system. Impact of IT risks. रोज नए नए IT risks आते हैं which could have significant impact on critical business operations. क्या क्या है वो risk? Hackers का risk. Misuse and abuse of information. अभी if I am a bank employee, मेरे पास आपका bank account details है, आपके personal details सब कुछ है, मैं कुछ भी उसको बेच सकता हूँ, उसको use कर सकता हूँ, misuse कर सकता हूँ, आपका ID password डाल के मैं कुछ भी गड़बड़ transaction कर सकता हूँ. फिशिंग अटैक्स थ्रू इंटरनेट बैंकिंग. बेसिकली ये क्या है, मैं एक आपको मेल आएगा, यू हैव वन 1 lakh rupees, नाउ यू नीड टू एंटर योर बैंक अकाउंट आईडी एंड पासवर्ड सो दैट आई कैन प्रोसेस ये 1 lakh rupees जो आपने लॉटरी जीती है, उसको मैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा. आप खुश हो जाओगे, आप फटाफट उसको ट्रांसफर कर दोगे पैसा, लेकिन मालूम पड़ेगा कि वो फ्रॉड हो गया. फिशिंग ईमेल्स आर वेरी कॉमन एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज बहुत जेन्युइनली लगता है कि हाँ दिस इज अ जेन्युइन ट्रांजेक्शन. एक मेल आता है आईटी डिपार्टमेंट से, मेल आता है सेइंग कि नाउ ओके इन ऑर्डर टू गेट योर आईटी रिफंड आपको अपना बैंक अकाउंट देना पड़ेगा एंड टोकन 1000 rupees डिपॉजिट करना पड़ेगा. आप सोचते हो अच्छा आईटी डिपार्टमेंट पूछ रहा है. सब कुछ आप देखोगे आईटी डिपार्टमेंट एट द रेट india.gov.in सब कुछ बराबर दिख रहा है, आप पैसे पे कर दोगे. लेटर ऑन मालूम पड़ता है दिस वॉज अ फ्रॉड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक टू बी एबल टू आइडेंटिफाई सच फ्रॉड एंड अलर्ट द कस्टमर्स कि ऐसा हो सकता है. IT risk management. अभी risk है, that will remain. Nobody can take away a risk. What you can do is identify the type of risk and take an action against it. क्या क्या action आप choose कर सकते हो? There are different options on kinds of actions that you can take against risk. पहला action है avoid. Eliminate the risk by not taking up or avoiding business specific processes. आपको पता है इस particular activity में बहुत ज्यादा risk है, मैं वो activity करूंगा ही नहीं ताकि मेरा कोई risk ही ना रहे. Mitigate. कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करो ऐसे कि रिस्क है भी तो भी मेरा प्रोसेस जो है उस कंट्रोल उस रिस्क को खत्म कर देगा, उस रिस्क को कम कर देगा एंड आई विल स्टिल बी एबल टू डू माय बिजनेस नॉर्मली. ट्रांसफर इंश्योरेंस कवरेज लो या फिर कुछ ऐसे प्लान्स बनाओ जिसकी वजह से आपका जो रिस्क है वो बन जाए, वो ट्रांसफर हो जाए ताकि अगर आपका कुछ खराब होता भी है सो यू आर स्टिल सेफ. एक्सेप्ट एक्नॉलेज दैट देयर इज अ रिस्क एंड मॉनिटर इट. मे बी यू डोंट हैव अ मिटिगेशन प्लान, मे बी यू कैन नॉट ट्रांसफर इट, मे बी यू कैन नॉट अवॉइड इट. सो एक्नॉलेज की रिस्क है एंड मॉनिटर इट ऑन अ रेगुलर बेसिस ताकि कुछ भी अगर गलत होता है इमीडिएटली आपको मालूम पड़ जाता है. सैंपल रिस्क है बैंकिंग के, प्लीज पढ़ लेना. इट इज वेरी सिंपल. लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा, अनऑथराइज एक्सेस, लॉस ड्यू टू एरर्स इन एक्यूरेसी ऑफ डेटा. वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ आई टी रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म. सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्क आर एज फॉलोज. क्या क्या रिस्क हो सकते हैं आपके पास? रिस्क टू डेटा. क्या क्या रिस्क है? रिस्क टू डेटा में अनऑथराइज चेंजेस हो जाएंगे, जो भी मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ उसका लॉग्स नहीं है, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स, फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स, अनऑथराइज एंट्री इन टू द सिस्टम, ट्रांजेक्शन्स विदाउट एनी सपोर्टिंग, विदाउट एनी वाउचर्स, चेंजिंग जो डेटा है मैं और किसी का आईडी पासवर्ड, अपने दोस्त का, अपने कोलिग का आईडी पासवर्ड यूज करके पूरा का पूरा डेटा चेंज कर दूंगा, दीज आर डेटा रिस्क. अदर आईटी रिस्क, इनकरेक्ट इंटरेस्ट रेट चेंजेस. मतलब मुझे इंटरेस्ट रेट आपको पे करना था 4.5%, मैंने गलती से 45% डाल दिया सिस्टम में एंड वो 45% चला गया. इंटरेस्ट कंप्यूटेशन के जो लॉजिक्स है वो गलत हो सकते हैं, जैसे हायर पे आउट या लोअर पे आउट हो रहा है इंटरेस्ट का. कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस या अदर चार्जेस इज इनकरेक्ट. अनऑथराइज इंक्रीज इन क्रेडिट लिमिट्स, पेमेंट्स ऑफ स्टोलन चेक्स एंड स्टॉप चेक्स या स्टोलन ड्राफ्ट्स, पेमेंट ऑफ डुप्लीकेट ड्राफ्ट. एक ही ड्राफ्ट दो बार प्रेजेंट हो गया एंड मैंने पेमेंट कर दिया. नया बैंक अकाउंट खोल दिया विदाउट नो योर कस्टमर का जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है आरबीआई का. दीज आर ऑल आईटी रिस्क दैट आर गोइंग टू बी ऑलवेज प्रेजेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन.
इंडिकेटर ऑफ हायर हाइट रिस्क, क्या ऐसा एटीट्यूड, क्या ऐसा बिहेवियर, क्या ऐसा पॉलिसीज होता है कंपनी का जिससे कि मालूम पड़ जाता है भाई तुम्हारा रिस्क तो बहुत हाई है एंड बहुत डिफिकल्ट होने वाला है तुम्हारी कंपनी को संभालना। आईटी सिक्योरिटी इज नॉट गिवन रिक्वायर्ड प्रायोरिटी, आई मीन कंपनी बोलेगा हाँ ठीक है यार आईटी सिक्योरिटी कुछ तो है देखेंगे हम, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्या पॉलिसी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है आईटी सिक्योरिटी के लिए, इफ यू आर नॉट वेरी क्लियर इन योर ऑर्गेनाइजेशन देन यू आर इन अ बिग मेस। लैक ऑफ इनपुट कंट्रोल, कौन एंटर कर रहा है डेटा, कौन आउटपुट वेरीफाई कर रहा है, क्या एविडेंस है उस ट्रांजेक्शन का, अगर ये सब चीजें नहीं है। लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल्स, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेड डिस्कवरी डिजास्टर रिकवरी प्लान, ऑल दिस इज गोइंग टू लीड टू मैसिव डेटा प्रॉब्लम्स, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। एंड अगर आप किसी ट्रस्टेड एम्प्लॉयज पे ओवर डिपेंडेंट हो कि हाँ ये बंदा तो 10 साल से काम कर रहा है इस पर मेरे को पूरा भरोसा है मैं इसको चेक ही नहीं करने वाला, देन यू माइट बी इन ट्रबल। इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी कंट्रोल्स, अभी इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी कंट्रोल्स क्या है, कंट्रोल्स रिफर्स टू पॉलिसी प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स दैट आर डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस दैट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड अनडिजायर्ड इवेंट्स आर प्रिवेंटेड डिटेक्टेड और करेक्टेड। बेसिकली कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल यही चीज होती है कि जो भी रिस्क है मेरे, मैं ऐसे प्रोसीजर्स लगा रहा हूँ, ऐसे पॉलिसीज लगा रहा हूँ जिससे मेरे रिस्क जो है वो मिटिगेट हो रहे हैं एंड जो भी गड़बड़ होने वाली है वो या तो पहले ही डिटेक्ट हो जा रही है या फिर प्रिवेंट हो जा रही है, अगर हो भी रही है तो इमीडिएटली करेक्ट हो जा रही है। आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स इज डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट ऑफ द डिजायर्ड रिजल्ट और पर्पस टू बी अचीव्ड बाय इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल प्रोसीजर्स विद इन अ पर्टिकुलर आईटी एक्टिविटी। IT controls provide perform dual role. क्या roles perform करती है? Enable enterprise to achieve objectives. जो भी उसकी objectives हैं, अगर risk कम रहेगा, उस risk के ऊपर controls रहेंगे, so the bank will be able to achieve their objectives and help in mitigating risk, which is obvious. Key indicators of effective IT controls. क्या कब मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ इस organization को देख के लगता है कि IT controls effective होंगे? Ability to execute and plan new work, such as IT infrastructure upgrades required to support new work. यानी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज ऑलवेज एंथुसियास्टिक, इट इज ऑलवेज रेडी कि हाँ नया सॉफ्टवेयर लगाना है, नया सिक्योरिटी सिस्टम लगाना है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अपने आईटी को बेस्ट रखने के लिए, ठीक है इंप्लीमेंट करो। रिसोर्सेज जो है मेरे पास अच्छे से पहले से ही मैं देख लेता हूँ, अच्छा ये आईटी एरिया में मेरे को रिसोर्स 5 लोग लगेंगे, चलो फटाफट, अच्छा इस एरिया में मुझे 100 करोड़ इन्वेस्ट करना है, चलो इसमें 100 करोड़ लगा दो, मैं पहले से ही श्योर हूं और इन्वेस्ट कर रहा हूं। कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल इन्फॉर्मेशन, अच्छा इन्फॉर्मेशन आईटी रिलेटेड मेरे पास कंटिन्यूसली है। क्लियर कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये कंट्रोल्स है, ये तुमको काम करना है, अगर मैनेजमेंट ऑलरेडी बता रही है आप लोगों को या जो भी स्टाफ है उन लोगों को, दैट मीन्स द मैनेजमेंट इज प्रीटी सीरियस अबाउट इंश्योरिंग प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन बैंक्स, तो बेसिकली इंटरनल कंट्रोल इन बैंक्स क्या है, रिस्क्स आर इंप्लीमेंटेड बाय मिटिगेटेड बाय इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल्स। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, वर्क ऑफ वन स्टाफ मेंबर इज सुपरवाइज्ड बाय द अदर स्टाफ, जॉब रोटेशन होते रह रही है ताकि एक ही आदमी एक ही चीज कंटिन्यूसली ना कर पाए, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ ईच ऑफिशियल पोजिशन इज फिक्स्ड, यानी कि किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, सबका जो पावर्स है सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स्ड है। मैनेजमेंट शुड सेंड पीरियोडिक कंफर्मेशन कि सब कुछ सही है, कंप्लायंस हो रहा है, अगर एक छोटा ब्रांच है ब्रांच हेड ऑफिस को बताएगा कि हाँ ये पैरामीटर्स है कंप्लायंस के, एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली, कंफर्मेशन देना है। जो भी लॉस ऑफ सिक्योरिटी फॉर्म्स है वो इमीडिएटली जो भी कंट्रोलिंग लोग है या मैनेजमेंट के लोग है, कुछ भी अगर गड़बड़ होती है इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जा रहा है। कोई भी फ्रॉड प्रोन आइटम्स लाइक करेंसी, वैल्यूएबल ड्राफ्ट, फॉर्म्स, डिपॉजिट एटलीस्ट 2 लोगों के हाथ में है, यानी कि 2 पीपल आर जॉइंटली ओनर्स ऑफ ऑल दीज क्रिटिकल आइटम्स, ताकि एक आदमी अकेला फ्रॉड नहीं कर पाए, फ्रॉड करना भी होगा तो 2 लोगों को साथ में मिलना होगा, विच माइट नॉट बी एज इजी। आईटी कंट्रोल्स इन बैंक्स, क्या क्या आईटी कंट्रोल्स होने चाहिए बैंक्स में, सैंपल यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। द सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल लॉगिन्स एंड लॉगआउट, जो भी बैंकिंग सिस्टम यूज करता है, कंप्यूटर यूज करता है, कब लॉगिन कर रहा है, कितनी देर तक लॉगिन कर रहा है, सब कुछ लॉग होना चाहिए। सिस्टम चेक्स वेदर द अमाउंट टू बी विड्रॉन इज विद इन द ड्रॉइंग पावर, अगर मैं जाकर सिस्टम में एज अ बैंक मैनेजर सपोज अप्रूव कर रहा हूँ फॉर पर्सन XYZ 1 लाख रुपए मेरे को प्रोसेस करना है एज अ लोन, द सिस्टम शुड चेक वेदर मी एज अ पर्सन इज अलाउड टू गिव 1 लाख रुपी एज अ लोन या सैंक्शन 1 लाख रुपी एज अ लोन, या वो मेरी लिमिट नहीं है, अगर नहीं है तो इट शुड नॉट अलाउ मी टू प्रोसेस दैट अमाउंट।
एक्सेस टू सिस्टम इज ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग स्टिप्यूलेटेड आवर्स, 9 से 5 आपके वर्किंग आवर्स है, सिस्टम 9 से 5 का एक्सेस आपको मिलेगा, सैटरडे संडे छुट्टी है, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस योर सिस्टम, वैसे कंट्रोल्स होने चाहिए। जो भी एक्सेस है इट शुड बी गिवन टू पीपल ऑन नीड टू नो बेसिस, ऐसा नहीं कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम का हर एक सॉफ्टवेयर फीचर का बैंक में सबको एक्सेस है, ओनली दोज पीपल हु नीड द एक्सेस शुड बी गिवन द एक्सेस। अ यूजर टाइम आउट शुड बी प्रिस्क्राइब, अगर आप बहुत देर तक एक ही चीज पे एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो आपका जो, या फिर कुछ काम नहीं कर रहे बस खुला छोड़ दिया हो, ऑटोमेटिकली योर सेशन शुड बी इनवैलिडेटेड एंड यू शुड री लॉग इन। IRCTC की अगर आप वेबसाइट जाओगे, अगर आप 15-20 मिनट कुछ भी नहीं करते उस वेबसाइट पे वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाती है। हालांकि मुझे पता नहीं IRCTC की वेबसाइट पे कौन क्या फ्रॉड करेगा, बट स्टिल दे हैव बिल्ड दैट कंट्रोल विच अ बैंक शुड ऑल्सो बी बिल्डिंग इन। वंस द एंड ऑफ द डे प्रोसेस इज ओवर लेजर्स कैन नॉट बी ओपन विदाउट अ सुपरवाइजरी लेवल पासवर्ड, यानी कि अगर उस दिन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए, सब ट्रांजेक्शंस फिल हो गए हैं, एंटर हो गए हैं, वो लेजर वो बुक्स खुल नहीं सकते आफ्टर दैट डेज क्लोजर। इफ यू वॉन्ट टू ओपन इट यू नीड टू हैव एन अप्रूवल ऑफ अ सुपीरियर अथॉरिटी, ओनली आफ्टर ड्यू अप्रूवल आफ्टर गिविंग द रीजन टू दैट सुपरवाइजर्स कैन यू ओपन द लेजर। तो ये थे दोस्तों कुछ कंट्रोल्स विच आर रिक्वायर्ड एंड विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन एन IT फ्रेमवर्क फॉर अ बैंक। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे या नेक्स्ट सेगमेंट जो हम देखेंगे वो है अप्लाइंग IT कंट्रोल्स। हम यहाँ देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अप्लाइंग IT कंट्रोल्स। अनफॉर्चुनेटली मेरा वेबकैम काम नहीं कर रहा दोस्तों, इसलिए मैं अपनी फोटो नहीं दिखा सकता, बट आई थिंक एज लॉन्ग एज माई वॉइस इज ऑडिबल इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एंड वी शुड कम्फर्टेबली बी एबल टू गो थ्रू दिस चैप्टर। तो दोस्तों हमने ऊपर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखी, कैसे IT कंट्रोल्स बैंक्स में होते हैं, बैंक का बेसिकली स्ट्रक्चर जो होता है, कोर बैंकिंग सिस्टम जो होते हैं, कैसे बेसिक्स काम करते हैं, वो सब हमने समझे। अभी देखते हैं IT कंट्रोल्स रिलेटेड क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हैं। जैसे हर जगह अपने जो प्रोसेस होती है वहां पर भी कंट्रोल होते हैं, वैसे ही IT रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म्स है उनमें भी प्रोसेस कंट्रोल्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ IT कंट्रोल्स है, पहला जनरल कंट्रोल्स एंड दूसरा है एप्लीकेशन कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल्स ऑल्सो नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल्स परवेड अक्रॉस डिफरेंट लेयर्स ऑफ IT एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स। बेसिकली ये जो जनरल कंट्रोल्स हैं हर टाइप के IT सिस्टम को अप्लाई होते हैं, हर कंपोनेंट को अप्लाई होते हैं, हर प्रोसेस को अप्लाई होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या प्लेटफॉर्म है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या आर्किटेक्चर है, डजंट मैटर, दीज आर सम जनरल बेसिक कंट्रोल्स। जैसे कि क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी रिमेन्स सेम अक्रॉस इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा भी IT प्लेटफॉर्म रहने दीजिए। नेक्स्ट है एडमिन एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन, जो आपकी एंट्री है, यूजर नेम, पासवर्ड, एक्सेस राइट, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ये सब कॉमन एक कंट्रोल होता है, सो दैट द पीपल हु आर एक्सेसिंग द सिस्टम्स आर दोज हु आर ऑथराइज्ड एंड आर ऑथेंटिक यूजर्स ओनली। सेपरेशन ऑफ की IT फंक्शंस, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं IT के भी अंदर, एक जो डिपार्टमेंट है वो एक सेक्शन पे काम करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरे सेक्शन पे काम करेगा, ताकि कोई भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कोई भी ऐसा काम ना हो जो किसी बंदे को नहीं करना चाहिए था बट वो कर रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क फेस करना पड़े। मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, हार्डवेयर सॉल्यूशंस, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो कंट्रोल्स है ये जनरल कंट्रोल्स होते हैं अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी आप सॉफ्टवेयर खरीदो या कोई भी आप सिस्टम नया एक्वायर करो, यू विल हैव सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिसीज। चेंज मैनेजमेंट, अगर कुछ भी चेंज करना है आपको, जो एग्जिस्टिंग IT आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, नया सोल्यूशन डिप्लॉय करना है, एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू विल रिमेन द सेम अक्रॉस योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। बैकअप, रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, अगेन जो बैकअप प्रोसेसेस है, जो रिकवरी प्रोसेसेस है, अगर डेटा लॉस होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी जो प्लानिंग है, दैट ऑल्सो मोर और लेस रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है एंड कंट्रोल जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप हो रहे हैं बराबर से डेवलप हुए हैं एंड जो डेवलपमेंट है वो एकदम अच्छी तरीके से मॉनिटर्ड की जा रही है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डेटा फाइल्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से बिजनेस का, कौन से ऑफिस में बैठे हो सकता है आप किसी बहुत रिमोट ब्रांच में बैठे हो या फिर हो सकता है आप हेडक्वार्टर्स में बैठे हो एक कंपनी के, जो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट्स है या जो कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स है, जो इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट्स है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द अवेलेबिलिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर्स एंड डेटा फाइल्स शुड ऑलवेज
जो पॉलिसीज हैं शुड बी मेंटेन्ड विद इन द बैंक, विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू आउट सेम चीज रहना चाहिए. इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट, जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, जो डाउन टाइम्स आते हैं, उनकी जो पॉलिसीज है, उनके जो रिस्पॉन्सेज है, उनका जो मैनेजमेंट हो रहा है दैट रिमेन्स द सेम. जो पूरी पॉलिसीज प्रोसीजर्स है दैट विल रिमेन द सेम. एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है? एप्लीकेशन कंट्रोल ऑन द अदर हैंड आर बिल्ट इन एन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर कंट्रोल्स व्हिच आर इंप्लीमेंटेड इन एन एप्लीकेशन टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स. बेसिकली अगर आप एक ऐप लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने एंड्रॉयड से या फिर iOS से एक से गाना का ऐप, सॉन्ग्स का ऐप डाउनलोड किया है, अभी उस सॉन्ग्स के ऐप या फिर नहीं, लेट्स नॉट टेक सॉन्ग्स का ऐप, लेट्स टेक बैंकिंग ऐप का एग्जाम्पल ओनली ना. अगर आपने कोटक महिंद्रा बैंक का ऐप डाउनलोड किया है, उस पे एक्सक्लूसिवली कुछ सिक्योरिटीज बिल्ट रहेगी, उसके लिए कुछ कंट्रोल्स रहेंगे, आईडी पासवर्ड कंट्रोल, फिंगरप्रिंट कंट्रोल, कौन एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, कैसे वो बैंक से इंटीग्रेट होगा, ऑल दैट इज योर एक्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल्स. एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर एज फॉलोज. डेटा एडिट्स, एडिटिंग ऑफ डेटा इज अलाउड ओनली फॉर परमिसेबल फील्ड्स. आप एप्लीकेशन में जब जाके देखोगे अपने बैंकिंग ऐप में, यू कैन नॉट चेंज एनी डेटा दैट यू वॉन्ट, ओनली वेरी स्पेसिफिक डेटा पॉइंट जहां पर इट इज रिक्वायर्ड for a change will be allowed to be changed. Separation of business functions. Har ek business function alag alag rahega. Transaction initiation alag rahega. Agar aap start kar rahe ho kisi transaction ko, it will have a different control. Authorization will have a different control. Transaction logging. All transactions will be logged in a specific manner ek application mein. Har application to application, the way a transaction is recorded changes. Error reporting. कोई भी एरर होती है प्रोसेसिंग में वो रिपोर्ट की जाएगी एक एप्लीकेशन के अंदर, दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन कंट्रोल्स. एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, जितने भी एक्सेप्शन जो सेट प्रोसेस था उससे जो भी डिविएशन है, ऑल ऑफ दैट विल बी रिपोर्टेड एक एप्लीकेशन कंट्रोल के तहत. तो एप्लीकेशन कंट्रोल एंड जनरल कंट्रोल में यही फर्क है दोस्तों कि एप्लीकेशन कंट्रोल इज स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक टू ईच एप्लीकेशन, वेयर जनरल कंट्रोल्स आर मोर ऑन पॉलिसी प्रोसीजर फ्रेमवर्क व्हिच आर एप्लीकेबल टू योर एंटायर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन. कॉम्पोनेंट एंड आर्किटेक्चर ऑफ CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस का दोस्तों हम अभी देखने वाले हैं क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं अलग अलग CBS के, एंड क्या क्या आर्किटेक्चर्स हैं, जो IT आर्किटेक्चर्स हैं वो क्या क्या यू नो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर्स हैं, एंड उनमें रिस्क क्या है, कैसे प्रोसेस फ्लो होते हैं, वी विल बी वॉचिंग ऑल ऑफ दैट. CBS refers to a common IT solution wherein a central shared database supports the entire banking application. Basically, दोस्तों, if I take the example of ICICI Bank, it is spread across the globe. इंडिया ही नहीं, इंडिया के आसपास के देश नहीं, काफी सारे कंट्रीज में, काफी सारे सिटीज में उनके सर्विसेज अवेलेबल रहेंगे. इनफैक्ट अगर आप कहीं इंडिया के बाहर जाते हो बट यू स्टिल वॉन्ट टू एक्सेस योर बैंक, यू विल बी एबल टू एक्सेस योर बैंक सिटिंग एनी वेयर इन द वर्ल्ड. ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे कोई इतना बड़ा IT फ्रेमवर्क खड़ा कर सकता है? बेसिकली कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस आर द आंसर टू ऑल दोस क्वेश्चंस. जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं पूरे के पूरे ब्रांच में, पूरे के पूरे बैंक में, जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी बैंक, जो बैंक के जितने भी अलग 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 जगहों पर दुकानें खोल के रखी है, एक कॉमन डेटाबेस में सब कुछ अपलोड होगा, सब कुछ अपडेट होगा एक सेंट्रल डेटाबेस में. इससे फायदा क्या होता है? यू कैन एक्सेस योर बैंकिंग ऑपरेशंस सिटिंग एनीवेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अक्रॉस द ग्लोब. CBS is supported by advanced technology infrastructure and has high standards of business functionality. Examples of CBS, तो थोड़े जो core banking solution softwares हैं, उनके examples दिए गए हैं, जैसे Finacle, developed by Infosys, FinOne, FlexCube, Banks, BankMate, ये सब सब अलग अलग, जैसे SAP है, या फिर जैसे Oracle है, या जैसे कोई भी ERP होता है, Tally है, आपका Focus है, आपका accounting के लिए, वैसे ही core banking solution software जो हैं, वो ये कुछ examples ऊपर दिए गए हैं. Key modules. So basically, दोस्तों, जैसे कि see the whole idea of having a core banking solution is to ensure कि जितना भी services provide कर रही है bank, it is all available at one place. ठीक है, अलग अलग अलग, जैसे अगर again if I take example of say ICICI bank का app, अगर आप mobile पे download करते हो, you just have to download one app. उससे आप उनकी क्रेडिट कार्ड सिस्टम फैसिलिटी एक्सेस कर सकते हो, अपना करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट एक्सेस कर सकते हो, लोन एक्सेस कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हो, ATM, अगर आपको पैसा चेकबुक कुछ रिक्वेस्ट करना है तो चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप ATM के थ्रू जब जाते हो स्वाइप करके आप पैसा निकाल सकते हो. ये सब के लिए आप लोगों को अलग अलग एप्स नहीं चाहिए, सिर्फ एक ऐप में सब कुछ हो जाता है, बिकॉज द एंटायर ऐप इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर. जो भी अलग 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 फंक्शंस है, मॉड्यूल्स है
बैंकिंग फैसिलिटीज के ऑल आर कनेक्टेड टू वन सेंट्रल सर्वर, एक जगह पर डेटा रहता है, एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इजी फॉर यू कि एक ऐप डाउनलोड किया एंड सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाता है। सीबीएस आर्किटेक्चर, तो दोस्तों बेसिकली सीबीएस आर्किटेक्चर इज नथिंग बट इट इज द होल से इट्स लाइक द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम। इट इज नॉट ओनली अ हार्ट बट ऑल्सो अ नर्वस सिस्टम, यानी कि सब कुछ कंट्रोल करता है, सब कुछ फंक्शन करना का इंश्योरिटी सीबीएस का आर्किटेक्चर लेता है। अगर एक बैंक को 24/7 काम जारी रखना है, काम करना है, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, एटीएम हो, मोबाइल बैंकिंग हो, फोन बैंकिंग हो, कुछ भी हो, 24/7 सपोर्ट ये सीबीएस जो सिस्टम्स है वो आपके बैंकिंग एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से कि बैंक्स आर एक्सेसिबल थ्रू आउट। पहले कैसा होता था, सुबह 10 बजे चालू होता था, फिर शाम को 4 बजे बंद हो जाता था, फिर उसके बाद सब क्लियरिंग ट्रांजेक्शन होते थे, मैनुअल प्रोसेस होता था, जो आपका काम था आपको लंबे लंबे लाइन में लगना पड़ता था, फिर बीच में लंच ब्रेक हो जाएगा तो आपको फिर 1 घंटा 2 घंटा वेटिंग करनी पड़ेगी। ऑल दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ थैंक्स टू दिस एप्लीकेशन जो सीबीएस प्लेटफॉर्म बिल्ड हुई है। इट इज इंटीग्रेटेड विद आर टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म सो मच कि अब आपको ना लाइन में लगने की जरूरत है, ना घंटों वेट करने की जरूरत है। आप अभी अपने ऐप में किसी को पैसा ट्रांसफर करो विद इन 30 सेकेंड्स, इवन नॉट इवन 30 सेकेंड्स, आप पे बटन दबाते हो एंड इमिडिएटली आगे वाले को पैसे पहुंच जाते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक्चुअली। एंड अब तो ये गूगल पे, पेटीएम जैसे जो यूपीआई बेस्ड सर्विसेज आ गए हैं, दीज हैव मेड मनी ट्रांसफर सच सच एन इजी टास्क। इट इज लाइक सेंडिंग एन एसएमएस, आपने बस 500 रुपए टाइप किया एंड यू जस्ट सेंड इट। 10 years ago, it was almost impossible to imagine such a thing, but आज ये हकीकत है। The platform where communication technology and information technology are merged to suit core needs of banking is known as core banking solution. What are the different key aspects built into the architecture of CBS? इंफॉर्मेशन फ्लो, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन फ्लो होनी है, दैट हैज टू फ्लो विद स्पीड एंड एक्यूरेसी फॉर डिसीजन मेकिंग। अभी आप अगर बैठ के पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, आप वेट नहीं करोगे कि हाँ पैसा ट्रांसफर का रिक्वेस्ट गया, अभी 20 मिनट वेट करो, फिर एक नया कुछ आएगा, फिर उसको अप्रूव करो, वो सब कुछ भी नहीं, फटाफट इंफॉर्मेशन आपके पास तुरंत रियल टाइम में हो जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि बैकएंड जो है, जो सीबीएस है, दैट इज इमीडिएटली गेटिंग योर बैलेंस, दैट इज इमीडिएटली कोऑर्डिनेटिंग टू गेट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, आप जिसको पैसे भेजना चाह रहे हो उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स, एंड सब इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल रहा है। कस्टमर सेंट्रिक, अब की एस्पेक्ट ऑफ सीबीएस इज इट हैज टू बी कस्टमर सेंट्रिक, इट शुडंट बी डिफिकल्ट, इट शुडंट बी स्लो, इट शुड बी वेरी इजिली एक्सेसिबल एंड वेरी क्विकली एक्सेसिबल। रेगुलेटरी कंप्लायंस, वेल दिस इज नॉन निगोशिएबल, जो कुछ भी बिल्ट होता है, जैसे भी बिल्ट होता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस इज अ मस्ट। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, द होल आइडिया ऑफ बिल्डिंग सच प्लेटफॉर्म इज लोग कम लगे, पैसे कम लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कम लगे। नाउ बैंक डोंट हैव टू बिल्ड बिग बिग ब्रांचेस, ठीक है, इट वॉन्ट बी अ सरप्राइज अगर से 5 years फ्रॉम नाउ, 10 years फ्रॉम नाउ, यू विल नॉट एट ऑल सी बैंक्स। जैसे पेटीएम देखो ना, पेटीएम का कोई ब्रांच है ही नहीं, इट इज ऑल ऑनलाइन, बट स्टिल इट इज सर्वाइविंग, ठीक है, इट्स नॉट अ फुल फ्लेश्ड बैंक येट, बट स्टिल पैसे आगे पीछे करना, मतलब एक्सचेंज करना पैसे, एंड काफी सारी छोटी छोटी बैंकिंग फैसिलिटीज पेटीएम भी प्रोवाइड कर रहा है। धीरे धीरे व्हेन एवरीबडी गेट्स यूज टू मोबाइल बैंकिंग या फोन बैंकिंग, वी माइट नॉट एट ऑल नीड सो मच रिसोर्सेज कि हाँ हर गली गली में बैंक खुला है या फिर एक बड़ा ब्रांच खोल के रखा है जहाँ पे 1,000 लोग काम कर रहे हैं। ऑल दैट माइट बी अ थिंग ऑफ पास्ट। कोर फीचर्स ऑफ सीबीएस, क्रिटिकल फीचर्स क्या है सीबीएस के? ऑनलाइन ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑल द ट्रांजेक्शन आर परफॉर्म इमीडिएटली। आपका बैंक अकाउंट, द मोमेंट यू ट्रांसफर मनी और द मोमेंट समबडी एल्स ट्रांसफर मनी टू यू, इमीडिएटली द ट्रांजेक्शन इज अपडेटेड, आपको मैसेज आ जाता है, आपके बैंक में पैसा क्रेडिट हो जाता है, एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू आर एबल टू सी एवरीथिंग। ऑल द डेटाबेस अपडेटेड साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं है कि आपका डेटाबेस अभी अपडेट होगा और कि जो ऑपोजिट बैंक का डेटाबेस है वो बाद में अपडेट होगा, नहीं, एवरीथिंग इज अपडेटेड रियल टाइम। आप ट्रांजेक्शन करोगे, आपका बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, आगे वाले का बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, एंड आपको मैसेज आ जाता है, आपका बैलेंस चेंज हो जाता है, सब जगह जो जो रिफ्लेक्ट चेंजेस होने हैं वो सब हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सेंट्रलाइज ऑपरेशन, हर एक डेटा एक सेंट्रल सर्वर में स्टोर होता है, एक सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर होता है, विच गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एजिलिटी फॉर द प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड वेरी वेरी क्विकली।
रिलायंस ऑन ट्रांजेक्शन बैलेंसिंग, अपने आप ट्रांजेक्शन बैलेंसिंग कर रहा है, ये किसी को बैठ के लिखना नहीं पड़ रहा कि हाँ डेबिट ये हुआ तो क्रेडिट ये हुआ, या फिर कोई एंट्री नहीं पास कर रहा आपके बुक्स में कि हाँ डेबिट एक्स वाई जेड क्रेडिट एक्स वाई जेड, और एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली एंड द ट्रांजेक्शन आर बैलेंस, जिसमें कोई सस्पेंस अकाउंट या फिर कोई अननोन अमाउंट आने का चांस ही नहीं है. ऑथराइजेशन अकर विद इन द एप्लीकेशन, आपका पासवर्ड यूज करके, आपका फिंगरप्रिंट यूज करके, आपका यूपीआई जो भी कोड है आपने लगाया है, वन टाइम पासवर्ड यूज करके ऑथराइजेशन इमिडिएटली हो जाता है. इंक्रीज एक्सेस बाई स्टाफ एट वेरियस लेवल बेस्ड ऑन ऑथराइजेशन, आपका डेटा जो है, जो स्टाफ है जिसको रिलेवेंट डेटा चाहिए, वो अलग अलग तरीके से आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. मूविंग ऑन, मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ सीबीएस सॉल्यूशन. देखिए दोस्तों, फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना, इधर देर माइट बी अ बिग क्वेश्चन 8 मार्क का 10 मार्क का, वेयर द इंस्टीट्यूट जस्ट क्रास, हाँ व्हाट इज सीबीएस, उसमें आपको सब कुछ थोड़ा 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 एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर 2 या 4 मार्क के लिए एक एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीबीएस, या फिर व्हाट आर द मेजर रिस्क ऑफ सीबीएस, आपको उनको छोटा छोटा आंसर करना पड़ेगा, जिसके लिए जो साइड पॉइंट्स है ना वही काफी है. थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना अबाउट सीबीएस एंड थोड़ा सा बता देना व्हाट इज जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका स्पेसिफिक आंसर दे देना. The various components of core banking are as follows: opening new accounts and customer onboarding. तो core banking basically यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या क्या अलग अलग components है, क्या क्या services आपको मिल सकती है एक core banking system की बदौलत. Managing deposits and withdrawals, जो भी आप पैसा डालते हो निकालते हो you can manage it. All transactions management, interest calculation and management. अगर आप ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट खरीदते हो इमीडिएटली आपको बता देगा कि हाँ अगर आप 300 दिन का फिक्स डिपॉजिट ले रहे हो तो इस रेट पे आपको इतना पैसा मिलने वाला है, अगर आप लोन ले रहे हो तो हाँ ठीक है इस रेट पे इतना लोन लेना पड़ेगा आपको. ऑल दैट इज इमीडिएटली कैलकुलेटेड इन वाया अ सीबीएस. लोन डिसबर्समेंट, पेमेंट प्रोसेसिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बेसिकली एंड टू एंड सभी कुछ का जो केयर है दैट इज बीइंग टेकन बाय योर कोर बैंकिंग सिस्टम्स नाउअडेज. इट इज लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन का ईआरपी सिस्टम जो होता है, सभी कुछ ट्रांजैक्शंस अपने आप हो जाते हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय दिस वन प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट आ जाइए टेक्नोलॉजी एंड वर्कफ्लो ऑफ सीबीएस. सीबीएस इज अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इसमें कोई हमको डाउट नहीं है. द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हैविंग अ रिमोट सर्वर कॉल्ड डेटा सेंटर एंड क्लाइंट सर्वर called service outlets which are connected through channel server branches. So basically क्या है, it is the CBS technological platform जो है, it is a client server architecture जहाँ पर एक data center है and जहाँ पर एक interface है with the client, जिसकी बदौलत आप देख सकते हो, आप access कर सकते हो उस data center को. जो भी आप transactions करोगे everything is monitored via the user interface. See, when you log on to an app या फिर एक online banking website पर जाते हो आप, you are not able to see the data center क्या पीछे स्टोर किया गया है, कैसे एक्सेस कर रहा है. यू आर एबल टू सी अ ब्यूटिफुल इंटरेक्टिव पेज जहाँ पर थोड़े लोगों की फोटोज होगी, जहाँ पर थोड़े ऑप्शन होंगे, जहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा, डेटा एंटर करना रहेगा एंड यू विल वेरी इजिली बी एबल टू एक्सेस वट एवर यू वॉन्ट टू. तो जो पीछे का जो बैकग्राउंड में डेटा चल रहा है वो आप कभी भी नहीं देख पाओगे बिकॉज आप यूजर इंटरफेस से ही इंटरेक्ट कर रहे हो, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद द बैक एंड मशीन्स. टेक्नोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है, बेसिकली क्या क्या अलग टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है, क्या क्या एनवायरमेंट्स इन्वॉल्व है इन मेकिंग योर सीबीएस वर्क. डेटाबेस एनवायरमेंट, वेब एनवायरमेंट, सिक्योरिटी सॉल्यूशन, कनेक्टिविटी एंड टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क, डेटा सेंटर एंड डिजास्टर रिकवरी सेंटर, नेटवर्क सॉल्यूशन, एंटरप्राइज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ये सब सब अलग अलग टेक्नोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स है. हम बाद में भी इनको डिटेल में भी पढ़ने वाले नीचे जाकर, बट अभी ये इंट्रोडक्शन के तौर पर टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस यहाँ पर दिखाया गया है आपको क्या क्या टेक्नोलॉजीज है. बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखो ये सब, दीज आर योर टेक्नोलॉजीज विच मैनेज अ सीबीएस और विच थ्रू विच अ सीबीएस इज एक्चुअली फंक्शनिंग. ये आपका फ्रंट एंड हो जाता है विच इज क्लाइंट. तो डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो अपना जो भी रिक्वायरमेंट्स है या जो भी आपका ट्रांजेक्शन करना है आप करोगे थ्रू अ हार्डवेयर एंड पीछे देर विल बी अ होस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सर्वर, चैनल सर्वर, होस्ट सर्वर, अलग अलग चीजें हैं जो हेल्प करेगी आपको अपना ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में प्रॉपरली. फंक्शनल आर्किटेक्चर, तो ऊपर हमने देखा टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस. अ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर ऑफ अ बैंक. बेसिकली जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था, SAP, टैली, फोकस, ओरेकल, जो वो सब काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस के लिए
वैसे ही एक सीबीएस काम करता है बैंक के प्रोसेसेस के लिए। जो भी बैंकिंग एप्लीकेशंस है, बैंकिंग सॉल्यूशंस है, दे आर ऑल इंटरैक्टिंग एंड डिपेंडेंट ऑन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ बैंक टू हैव अ वेरी गुड सीबीएस आर्किटेक्चर सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए फंक्शनल आर्किटेक्चर, तो टेक्नोलॉजिकल इज ऑल बैक एंड, ठीक है, जो बैक एंड में हार्डवेयर है दैट इज योर टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर। फंक्शनल में इट इज मोर अबाउट हाउ इट इज यू नो द यूजर फेस इज बीइंग बिल्ड, हाउ द यूजर फेस इज इंटरेक्टिंग विद द यूजर्स, वो सब ज्यादा आ जाता है आपके फंक्शनल आर्किटेक्चर के अंदर। तो जैसे कि आप ये ड्रॉइंग देख सकते हो, बेसिकली जो जो बैंक एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर फंक्शनल आर्किटेक्चर। ओरिजिनेशन, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, सेविंग्स, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, जो भी फंक्शंस है, जो भी फंक्शनैलिटीज है आपकी बैंक की, दैट इज बेसिकली योर पार्ट ऑफ योर फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ जाते हैं, हाउ डज सीबीएस वर्क। पहले तो व्हाट इज द फ्लो, सी इट इज सिमिलर, इट इज एग्जैक्टली द सेम लाइक बाइंग एनी अदर ईआरपी या बिल्डिंग एनी अदर ईआरपी। जो स्टेप्स है दैट देयर आर स्टैंडर्ड स्टेप्स व्हिच नीड टू बी फॉलोड, क्या स्टेप्स है वो, the deployment and implementation of cbs should be controlled at various stages to ensure that banks automation objectives are achieved. har ek stage pe aapko control mein rehna padega ki aap kya jo automation kar rahe ho barabar kar rahe ho ya nahi, to uske liye kya kya steps hai, planning sabse pehle, planning bahut important hai ki aapko kya type ka cbs chahiye, kaise chahiye, to isme management ka involvement bahut zyada important hai, kitna bada hona chahiye, kitna secure hona chahiye, kitna flexible hona chahiye, kitna agile hona chahiye, all that has to be determined by the organization. अप्रूवल, जो भी आपने डिसीजन लिया है सीबीएस को इम्प्लीमेंट करने का, इट हैज टू बी अप्रूव्ड एट द हाईएस्ट लेवल, यानी कि बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिकॉज दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बैंक इन अ वेरी वेरी बिग वे। सिलेक्शंस, बहुत सारे सीबीएस अवेलेबल है, इंटेंस, स्मॉल, सस्ते, महंगे, सब कुछ। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सिलेक्शन लेना है एंड वाई, बेस्ड ऑन योर टोटल बैंकिंग एनवायरमेंट, टोटल रिक्वायरमेंट्स, आपका जो डेटाबेस है या फिर जो स्प्रेड है आपका, जो ब्रांचेस है, नंबर ऑफ कस्टमर्स है, उस बेसिस पे यू हैव टू सेलेक्ट। डिजाइन एंड डेवलप और प्रोक्योर, नाउ इधर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स इधर यू विल डिजाइन अ न्यू सीबीएस और यू विल प्रोक्योर एग्जिस्टिंग वंस फ्रॉम आउटसाइड। जो भी आपको जैसा बजट है, आपका जैसा रिक्वायरमेंट है, वैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। टेस्टिंग, वंस इट इज डिजाइंड या वंस इट इज प्रोक्योर्ड, एक्सटेंसिव टेस्टिंग करना पड़ेगा बिफोर गोइंग लाइव। लाइव जाने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये एरर आ गया, वो एरर आ गया, यहाँ कंफ्यूजन हो गया, वहां प्रॉब्लम हो गया, डेटा उड़ गया, डेटा फ्रॉड हो गया, हैकिंग हो गया, ऑल दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वंस यू हैव टेस्टेड इट थरोली यू विल इम्प्लीमेंट इट। इम्प्लीमेंटेशन भी एक रात में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फेजेस, बिट्स एंड पीसेस, धीरे 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 करके अब जितने भी ब्रांचेस है उन पे आप इम्प्लीमेंट करोगे। मेंटेनेंस, वंस यू हैव इंप्लीमेंटेड इट, ऑफ कोर्स आपको रोज उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसका सपोर्ट भी चाहिए, आपको एक सपोर्ट टीम रहेगी, एक आपकी एक्सपर्ट्स की जो इंश्योर करेगी सीबीएस इज वर्किंग राउंड द क्लॉक, एंड अगर कुछ भी एरर आता है तो इमीडिएटली उसको मेंटेन कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे। अपडेशन, टेक्नोलॉजी है, आउटडेटेड होती रहती है, यू नीड टू कीप अपडेटिंग इट, सिमिलर टू योर मोबाइल फोन एप्स या फिर मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर है वो हर एक 3 महीने 6 महीने में कुछ नया अपडेट आ जाता है। Similarly, CBS also needs to be updated. Audit, audit सब में करना पड़ता है, audit trail होना बहुत जरूरी है। हम पढ़ रहे हैं CA course, if we have forgotten कि इतना IT पढ़ रहे हैं, we are still a chartered accountant student and audit trail ही हमारे लिए सब कुछ है। While we are learning all of this for our understanding, जब हम actually floor hit करें, जब हम काम करने लगे, auditing करने लगे, हमको पता होना चाहिए कि क्या CBS है, कैसे एक bank का applications काम करते हैं, कैसे background चलते हैं, but इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि हमारा एंड ऑब्जेक्टिव होता है उस प्रोसेस को, उस पूरा जो सॉफ्टवेयर है, जो फेयर फंक्शनिंग है, उसको ऑडिट करना है, एंड दैट इज वाई ऑडिट ट्रेल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली यहाँ पर आपको पूरा टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर समझाया गया है, कैसे कस्टमर कैसे यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट करता है एंड फिर पीछे कैसे काम होता है, यू कैन गो थ्रू इट। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल, बेसिकली दोस्तों कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल इज नथिंग बट एक आपका डेटाबेस है जहां पर कि जो सीबीएस है आपको आइडेंटिफाई करेगा। यू विल बी इंटरेक्टिंग विद द सीबीएस ऑन अ डेली बेसिस, जैसे कि आपका मोबाइल ऐप है, दैट इज कनेक्ट टू द, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सीबीएस। नाउ यू वांट टू एक्सेस द सीबीएस, बट फिर तो हर कोई आपका बैंक अकाउंट एक्सेस कर पाएगा अगर प्रॉपर कंट्रोल्स नहीं होंगे तो। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल्स, जहां पर आपका हर एक जो डिटेल्स है,
चाहे वो फोटो आईडी आपने दिया हो एट द टाइम ऑफ ओपनिंग योर बैंक अकाउंट, एड्रेस हो, फोन नंबर हो, आर स्टोर्ड इन इन अ यूनिक नंबर विच इज कॉल्ड द सीआईएफ नंबर। एंड ये यूज होगा जब भी आप अपने अकाउंट से डील करोगे, आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक करोगे या कोई ट्रांजेक्शन करना चाहोगे, लोन लेना चाहोगे, दिस विल बी एक्टिवेटेड एंड दिस विल बी यूज एज अ रेफरेंस फॉर ऑल योर ट्रांजेक्शन। सीबीएस आईटी एनवायरमेंट, आईटी एनवायरमेंट में सीबीएस में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है देखेंगे। सर्वर्स, सब कुछ ही सर्वर पे चल रहा है दोस्तों। दी होल ब्रेन, दी होल नर्व सेंटर ऑफ योर कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम्स इज योर सर्वर। अलग अलग टाइप के सर्वर हैं, यहाँ पर उनके हेडिंग्स दिए गए हैं, बट नीचे हम हर एक को अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो लेट्स गेट देयर क्विकली। एप्लीकेशन सर्वर, बेसिकली ये वो सर्वर है जहाँ पर ट्रांजेक्शन, कस्टमर के ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस्ड बाय द डेटा सेंटर। बेसिकली जो एप्लीकेशन सर्वर है इज डायरेक्टली डीलिंग विद द ऐप, या फिर जो एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया है या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, ये जो सर्वर है सब कुछ डेटा स्टोर करेगा विच इज कमिंग फ्रॉम एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन, एंड इट विल फॉरवर्ड इट और कोऑर्डिनेट विद अदर सर्वर्स टू एंश्योर कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल रही है। नेक्स्ट इज डेटाबेस सर्वर। एज द नेम सजेस्ट, एंटायर डेटा ऑफ द बैंक इज स्टोर्ड इन दिस सर्वर एंड हेंस इट हैज टू बी प्रॉपरली मेड, प्रॉपरली मैनेज्ड, हाईली सिक्योर, कोई अनऑथराइज चेंजेस नहीं होने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स होने चाहिए टू एक्सेस द सर्वर फिजिकली एंड टू एक्सेस द सर्वर इलेक्ट्रॉनिकली। इट जस्ट कैन नॉट बी लेफ्ट अलोन, क्योंकि सब कुछ जो आपका डेटा है वो इसी में स्टोर्ड है, तो सिक्योरिटी, लॉग, ऑडिट ट्रेल, सब कुछ बहुत अच्छे से इसके बिल्ट होने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि मोर और लेस अभी तक का जो बैंकिंग सिस्टम्स है वर्ल्ड में, दे होते हैं छोटे छोटे हैक्स होते हैं या छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, बट एज ऑफ टुडे लकीली कुछ भी ऐसा मेजर नहीं हुआ कि पूरा का पूरा बैंक हैक हो गया एंड एवरी मनी दैट वाज देयर हैज बीन स्टोलन, बिकॉज ऑफ डिसेंट जो भी आपके डेटा सर्वर सिक्योरिटीज हैं, दे आर नॉट वेरी बैड एज ऑफ नाउ, दे आर प्रीटी गुड इनफैक्ट। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम क्या है? एटीएम इज योर पैसे निकालने की मशीन, आप जाओगे कार्ड स्वाइप, कार्ड डालोगे अपना डेबिट कार्ड एंड आप पैसे विड्रॉ कर लोगे। सो उसके लिए भी एक सर्वर होता है जहां पर आपके जो डिटेल्स हैं, आपके कार्ड के डिटेल्स, आपके कस्टमर डिटेल्स, वो लोडेड होते हैं। सो एवरी टाइम यू गो एंड एवरी टाइम यू एक्सेस योर एटीएम मशीन, देर इज योर डेटा ऑलरेडी अवेलेबल विद द एटीएम कि हाँ ये बंदे का ये डेटा है। वंस यू पुट इट इन, वंस यू गिव योर पासवर्ड, इट मैचेस द बैंक अकाउंट नंबर, आपका बैंक अकाउंट गेट्स एक्टिवेटेड एंड वहां से पैसे निकल जाते हैं विद इन सम सेकेंड्स, यू गेट द मनी एंड यू गेट अ कॉन्फर्मेशन कि आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो चुका है। इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर्स, जस्ट एज एटीएम सर्वर, इंटरनेट बैंकिंग डेटाबेस सर्वर स्टोर्स द यूजर नेम एंड पासवर्ड्स ऑफ ऑल इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर्स। सो सोच लीजिए ये भी कितना इंपॉर्टेंट सर्वर है, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर, आपका जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है, इट इज स्टोरिंग एवरीथिंग इन आईबीसीएस। आईबीसीएस स्टोर्स योर पासवर्ड, बट एटीएम डज नॉट स्टोर योर पिन कोड। तो एटीएम में जब आप पिन कोड मारते हो, इट इज नॉट गोइंग टू क्रॉस चेक इट विद एनीथिंग, बिकॉज एटीएम इज नॉट स्टोरिंग इट, इट इज आईबीसीएस विच इज स्टोरिंग एवरीथिंग। तो एटीएम भी आईबीसीएस को ही पूछेगा कि हाँ भाई ये बंदा पिन नंबर डाल रहा है वो करेक्ट है या नहीं। वंस आईबीसीएस कंफर्म्स इट, ओनली देन योर एटीएम रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड। इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट बैंकिंग सॉफ्टवेयर विच इज स्टोर्ड इन आईबैस, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑथेंटिकेट्स द कस्टमर विद लॉग इन डिटेल स्टोर्ड इन द आईबीसीएस। तो बेसिकली आईबीएएस इंटरैक्ट्स विद आईबीसीएस जब भी आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हो, टू एंश्योर कि आपने जो भी आईडी पासवर्ड लॉग इन क्रेडेंशियल्स डाले हैं वो बराबर है या नहीं। वेब सर्वर, इट इज बेसिकली द होस्ट टू ऑल वेब सर्विसेज एंड इंटरनेट रिलेटेड सॉफ्टवेयर। जो आप ऑनलाइन फोन मोबाइल बैंकिंग करते हो, सॉरी ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, वेब बैंकिंग, आप जब एक www.icicic.com पर लॉग इन करते हो, दैट इज यू आर इंटरेक्टिंग विद द वेब सर्वर एज वेल। जो भी आपके वेब बेस्ड सर्विसेज हैं, दैट इज राउटेड थ्रू दिस पर्टिकुलर सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर क्या है? अलग अलग इनडायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शंस टू अदर नेटवर्क सर्विसेज। हो सकता है कि आपका जो बैंक है वो एक ही नेटवर्क पे नहीं होगा, वो अलग अलग नेटवर्क्स पे होगा। बेसिकली इफ से आई वांट टू एक्सेस माय बैंक सिटिंग इन सिंगापुर, बट माय बैंक इज एक्चुअली लोकेटेड इन इंडिया एंड उसका जो सर्वर है वो भी इंडिया में ही है, तो एक प्रॉक्सी नेटवर्क क्रिएट करेगा विच विल अलाउ मी टू एक्सेस माई बैंक थ्रू सिंगापुर, सिटिंग इन सिंगापुर, थ्रू द इंडियन जो मेरा डेटा, मेरे जो सर्वर्स हैं या फिर मेरे जो नेटवर्क्स हैं।
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर जो सिक्योरिटी जो एंटीवायरस स्टोर करके रखता है जहां पर, दैट इज योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सर्वर। वेरी वेरी सिंपल केस स्टडी इन आईटी डिप्लॉयमेंट इन बैंक, ये एक बार पढ़ लेना, आपको पूरा जो ऊपर हमने समझा है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कोर बिजनेस प्रोसेस फ्लोस एंड रिलेवेंट रिस्क एंड कंट्रोल। बेसिकली क्या क्या अलग अलग बिजनेस प्रोसेस हैं विच आर डेल्ट विद बैंक ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड उनके रिस्क क्या क्या है। तो दोस्तों इसमें मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज दीज आर सम वेरी बेसिक सम वेरी फंडामेंटल थिंग्स विच आर एक्चुअली डन बाई अस ऑन अ डे टू डे बेसिस। सो आई विल एक्सप्लेन यू नो डाउट बट आई एम नॉट गोइंग टू रीड लाइन बाई लाइन एंड गोइंग टू एक्सप्लेन इन यू टू मच डेप्थ बिकॉज आप जब अभी सुनोगे मुझे तो आप अपने आप समझ जाओगे कि मैं क्यों डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा हूँ। प्रोसेस फ्लो ऑफ कासा फैसिलिटी, बेसिकली कासा फैसिलिटी क्या होता है, करेंट एंड सेविंग अकाउंट्स, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको एक अकाउंट खोलना है एंड अकाउंट ऑपरेट करना है आपका करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स है उसमें। इधर सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको कोई भी बैंक अकाउंट खोलना है या तो आप एडवर्टीजमेंट देखोगे या फिर आप किस कोई आपको बैंकिंग वाला आएगा सेल करने के लिए, सेल्स मैन की सर हमारे पास आपका एक करेंट अकाउंट या फिर सेविंग्स अकाउंट खोल लीजिए। तो लेट्स अज्यूम यू हैव अप्रोच्ड द रिलेशनशिप मैनेजमेंट की सर मुझे एक अकाउंट खोलना है, तो वो बंदा क्या करेगा, या तो आप इन पर्सन जाओगे या फिर आप बैंकिंग जो उसका एप्लीकेशन है वहां से रिक्वेस्ट करोगे। वंस यू रिक्वेस्ट आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप अपनी बताओगे एंड आपको केवाईसी नो योर कस्टमर जो डॉक्यूमेंट्स है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस द बैंक विल कलेक्ट ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स फॉर यू। डॉक्यूमेंट्स जब आप दे दोगे तो जो उनकी क्लाइंट टीम होती है या रिस्क टीम होती है वो वेरीफाई करेगी वेदर आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं। वंस दैट इज वेरीफाइड आपका जो अकाउंट है वो खोल दिया जाएगा एंड एक बार आपका अकाउंट खुल जाता है उसके बाद यू विल बी एबल टू यूज योर अकाउंट। रिस्क क्या क्या है अलग अलग एंड कंट्रोल्स क्या क्या है। रिस्क है कि क्रेडिट लाइन जो है जो आपको क्रेडिट लिमिट दी गई है वो गलत है या फिर इट्स नॉट एज पर बैंक पॉलिसी। कंट्रोल क्या है उसमें जो रिस्क टीम होती है वो बराबर से चेक करती है आपके जो फाइनेंशियल रेशियोज है आपका जो नेटवर्थ है एंड ओनली देन रिव्यू करती है आपको कितना क्रेडिट लिमिट मिलना चाहिए एंड उसको अप्रूवल और कोई करता है। सो देयर इज अ चेक वेदर आपका जो जो आपके फंडामेंटल्स है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है उसके हिसाब से ही आपको क्रेडिट लिमिट्स मिलेंगे। क्रेडिट लाइन सेटअप इन सीबीएस इज अनऑथराइज्ड तो उसमें एक्सेस राइट्स चाहिए। अगर समझ लो मैं किसी को मैं मुझे बैंक में एक्सेस है नहीं किसी को लिमिट देने की या किसी की लिमिट बढ़ाने की बट मैं बढ़ा रहा हूँ विदाउट हैविंग द एक्सेस, उसके लिए एक्सेस कंट्रोल्स रहेंगे विच शुड एक्ट एज अ प्रॉपर सेफ गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड क्रेडिट लाइन सेटअप्स। ऐसे ही अलग अलग है इनएक्यूरेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अनऑथराइज्ड पर्सनल अप्रूविंग द कासास, इनएक्यूरेट अकाउंटिंग एंट्रीज। बेसिकली फॉर दिस यू नीड टू हैव ईदर मैनुअल कंट्रोल्स या फिर यहाँ पर तो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स बहुत पॉसिबल इजीली है। सपोज इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है इनएक्यूरेट नहीं होने के लिए बैंक नाउडेज जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, मैनुअल इंटरवेंशन होती नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़ता आपको इंटरनेट कैलकुलेट करने के लिए, जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप ही कैलकुलेट कर देते हैं। अनऑथराइज्ड पर्सनल्स उसके लिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि ये पर्सन यही काम करेगा, इस पर्सन को यही काम करने का एक्सेस है एंड कोई दूसरा एक्सेस नहीं है। वेरी सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, रिस्क जरूर है बट बिकॉज द एनवायरनमेंट इज हाईली ऑटोमेटेड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू हैव प्रॉपर कंट्रोल्स इन अ बैंकिंग सिस्टम एंड ऑल्सो इंश्योर दैट जो कंट्रोल्स है दे आर बींग अधियर टू। Process flow of issuance of credit card facility. Again, very quickly I'm going to tell. Either you will get a call from a customer service ki haan sir credit card khareed lijiye, ya fir aap khud jaakar apply karoge, ya fir banking app ke through apply karoge. Once you request for your credit card, aapka KYC documents aapko dene padenge. Once you give the KYC documents, wo log check karenge ki aapko kitna credit milna chahiye, whether aapka jo background hai wo barabar hai ya nahi, jo CIBIL score hai aapka CIBIL score, whether that is worth or not of giving you credit card. Kyunki jab bank aapko credit deti hai, that means they are giving you money without actually you making the payment. Aap payment karte ho 30 din 40 din ke baad, yani ki bank aap par bharosa kar rahi hai. बैंक आपका आप पर भरोसा कैसे करेगी, आपका बैकग्राउंड डेटा चेक करके, वेदर हाँ आपकी हिस्ट्री इज फाइन, आपने जो अभी तक ट्रांजैक्शंस किए हैं बैंक्स के साथ वो बराबर है या नहीं। उसके बाद आता है जब आप एक्चुअली क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी को यूज करते हो, यूज करने के बाद भी दोस्तों बहुत सारे ऑथेंटिकेशन होते हैं, बहुत सारे चेक्स होते हैं टू एंश्योर कि आप किसी और का क्रेडिट कार्ड फ्रॉडुलेंटली यूज नहीं कर रहे। सो बेसिकली आप क्या करोगे, यू विल टेक योर क्रेडिट कार्ड, गो टू अ स्टोर, परचेज एंड आप स्वाइप करोगे मशीन।
द मोमेंट यू स्वाइप क्रेडिट कार्ड, आपको बोलेगा कि आपका पिन नंबर डालो। आप पिन नंबर डालोगे एंड देन दैट पिन नंबर इज ऑथराइज्ड, कि हाँ जो बैकएंड पे स्टोर्ड है आपका पिन नंबर एंड जो आपका आपने एंटर किया है वो पिन नंबर सेम है। या फिर अगर आप सपोज ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आपको ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे आएगा। दिस विल ऑथेंटिकेट कि आप जेन्युइन पर्सन हो। वंस यू पुट इन दैट पर्टिकुलर कोड, एक ऑथराइजेशन ट्रांजेक्शन मतलब एक कंप्लीशन अप्रूवल मैसेज आ जाएगा कि भाई हाँ ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड एंड रिसीट विल बी जनरेटेड एंड हैंडेड ओवर टू यू। उसके बाद जब भी आपका बिल जनरेट होगा उसमें आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा। सो दैट बिकम्स द एंटायर साइकिल ऑफ क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट। सिमिलरली प्रोसेस फ्लो ऑफ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड, बेसिकली आपने तो क्रेडिट कार्ड यूज किया से आईसीआईसीआई बैंक का, बट जो मर्चेंट जिसको आप एक्चुअली पेमेंट करना चाह रहे हो सकता है उनका है एचडीएफसी बैंक, तो ये क्लियरिंग कैसे होगा? आपने स्वाइप किया आईसीआईसीआई का कार्ड, आपके पैसे आईसीआई से निकल के एचडीएफसी के पास आएंगे। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेसेस। बैंक्स क्या करती है, हर दिन दे हैव दिस पोर्टल जहां पर खुद उनके बैकएंड पे सेटलमेंट हो जाता है कि हाँ एचडीएफसी को आईसीआईसीआई को इतना पे करना है, आईसीआईसीआई को एचडीएफसी को इतना पे करना है, नेट नेट कौन किसको कितना पे करेगा, ऑल दैट इज सेटल्ड। फॉर दिस ईच मर्चेंट यानी कि ईच बैंक विल चार्ज दी अदर बैंक अ स्मॉल फीस, कि हाँ भाई मैं तेरे लिए ये क्लियरिंग कर रहा हूँ, सो यू विल बी आई विल बी चार्जिंग यू अ स्मॉल फीस एंड दिस इज म्यूचुअल, दिस इज ऑल एज पर डिफरेंट बैंकिंग रेगुलेशन, आरबीआई गाइडलाइंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। रिस्क क्या है, रिस्क मैंने बताया, गलत क्रेडिट लाइन सेटअप हो गया या फिर जो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन था वो बराबर नहीं है, क्रेडिट लाइन जो आपकी बनी है, आपको सपोज 2 लाख की क्रेडिट लाइन मिली है लेकिन आपने 3 लाख का ट्रांजैक्शन कर लिया है, किसी ने रोका नहीं, ऑल दोज रिस्क आर देयर। आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है क्रेडिट कार्ड अगर आप डिले कर रहे हो पेमेंट करने में वो गलत हो गया या फिर वो कम हो गया थोड़ा, ऑल दैट हैज टू बी मैनेज्ड। मोस्ट ऑफ देम विल बी मैनेज्ड ऑटोमेटिकली बाय दी बैंकिंग सॉफ्टवेयर ओनली, इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह, क्रेडिट लाइन सेटअप, ज्यादा नहीं आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, आप जितने के लिए आपका ऑथराइजेशन है उतना ही मिलना चाहिए। ईच पर्सन विल हैव देयर ओन एक्सेसेस कि हाँ यू कैन मेक एन एक्सेप्शन ऑफ से 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, उसके ज्यादा उसके आगे इट हैज टू गो टू समवन एल्स फॉर अप्रूवल, जिससे कि इंश्योर हो जाएगा कि किसी भी एक बंदे को कोई फ्रॉडुलेंट फेवर या फिर इवन बाय मिस्टेक कोई गलत फेवर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेसेस फ्लो ऑफ मॉर्गेजेस। अ मॉर्गेज लोन इज अ सिक्योर्ड लोन व्हिच इज सिक्योर्ड ऑन द बोरोस प्रॉपर्टी। बेसिकली आप देखते होंगे दोस्तों गाड़ियों के पीछे रहता है दिस कार इज मॉर्गेज टू सो एंड सो बैंक, कुछ भी नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, अगर आप एक लोन ले रहे हो, सॉरी इफ यू आर टेकिंग अ लोन, द बैंक इज आस्किंग कि भाई तू लोन तो ले लेगा बट कल को अगर पे नहीं कर पाया तब मैं क्या करूंगा, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है लोन के साथ मैं आपको प्रॉपर्टी दे देता हूँ अपनी, कि ये मेरा घर है या ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरे शेयर्स हैं, आप इनको रख लो एंड इनके अगेंस्ट मुझे लोन दे दो, अगर मैं कल रीपे नहीं कर पाता हूँ किसी भी कारण से तो आप ये बेच के अपने पैसे निकाल लेना। अलग अलग टाइप्स ऑफ मॉर्गेज लोन क्या है, होम लोन अगर आपको घर खरीदना है तो उसके लिए होम लोन, टॉपअप लोन ऑलरेडी आपका लोन चल रहा है उसके ऊपर आपको और लोन लेना है तो टॉपअप लोन, लोन्स फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, अगर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रॉपर्टी है तो आप लोन लोगे एंड जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन स्टेजेस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको लोन का पैसा मिलता जाएगा। प्रोसेस क्या है, अगेन इट इज द सेम प्रोसेस, आप जाओगे लोन रिक्वेस्ट करोगे, लेंडर देखेगा, फर्स्टली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोन्स व्हिच आर वाइडली ऑफर्ड, पहला है फिक्स्ड रेट मॉर्गेज यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड रहेगा, एंड द सेकेंड इज वेरिएबल और फ्लोटिंग रेट ऑफ मॉर्गेज, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रहेगी अप टू अ सर्टेन पीरियड एंड उसके बाद एज पर मार्केट कंडीशन फ्लक्चुएट होने लगेगी ऑन अ डे टू डे बेसिस या ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस। आप जाओगे बैंक के पास बोलोगे सर मुझे मॉर्गेज मॉर्गेज चाहिए या फिर लोन चाहिए मॉर्गेज लोन, आप एक फॉर्म फिल करोगे, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दोगे, जो लोन ऑफिसर है वो लोन एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, उसके बाद आपका सिविल स्कोर चेकिंग होगा, फिर जो अंडरराइटिंग टीम के पास जाएगी अप्रूवल के लिए कि ये बंदा इतने पैसे मांग रहा है इसको दे सकते हैं क्या, अंडरराइटिंग टीम विल वेरीफाई योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको वो लोन डिसबर्स कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो प्रॉपर्टी की पेपर्स है जो भी आप मॉर्गेज रख रहे हो वो आप सबमिट करोगे, वो अब लीगल टीम जाकर चेक करेगी अगर आप प्रॉपर्टी के पेपर्स दे रहे हो वेदर दोस प्रॉपर्टी पेपर्स आर जेन्युइन, वेदर जो कंस्ट्रक्शन आपने किया है वो एज पर द रिक्वायरमेंट रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से है या नहीं, जितनी भी
वैल्यूएशन आप बता रहे हो उतनी सच में वैल्यूएशन है या नहीं, सो लीगल टीम, वैल्यूएशन टीम, सब कोई अपना अपना काम करके फिर फाइनली आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है, अपने जो पैसे हैं, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां से कि आप डिसबर्समेंट लोन का ले सकते हो। उसके बाद आप यू विल स्टार्ट रीपेइंग द लोन एज पर योर इंस्टॉलमेंट विच हैव बीन एग्रीड विद द बैंक। इसमें क्या क्या रिस्क है, इनकरेक्ट कस्टमर लोन डिटेल्स आर कैप्चर, तो इसमें आप क्या करोगे, दो या तीन रिव्यूज रखवाओगे, हर एक इंडिपेंडेंट पार्टी जो आपने इंटर किया वो और कोई रिव्यू करेगा, एंड उसके बाद भी एक और फाइनल रिव्यू रहेगा जिससे कि तीन लोगों ने देख लिया कि हाँ जो भी डिटेल्स एंटर हुए हैं वो करेक्ट है। इनकरेक्ट लोन अबाउट डिसबर्स, इसमें भी अगर आपने 100 1 लाख रुपए देने थे, आपने 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, बट बिफोर द लोन इज डिसबर्स देर विल बी सेकेंडरी चेक, तीन चेक्स कोई करेगा कि हाँ 1 लाख इज बीइंग डिसबर्स, 1 लाख इज बीइंग डिसबर्स। आजकल कंप्यूटर्स भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ 1 लाख डिसबर्स होना था बट आप तो 1,50,000 कर रहे हो, एक अलर्ट मैसेज भेज देगा। इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेशन, अगेन सेम थिंग, अनऑथराइज चेंजेस टू लोन मास्टर डेटा, इसके लिए आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज चाहिए, एक्सेस राइट, एक्सेस कंट्रोल्स, ऑथराइजेशन चाहिए टू एंश्योर की somebody who is not supposed to access somebody's bank account या फिर loan account is not actually accessing it, safeguarding it basically. Next आ जाइए quickly ट्रेजरी प्रोसेसेस पर। ट्रेजरी प्रोसेसेस नथिंग बट जो आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शेयर्स, कमर्शियल पेपर, सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट, सिक्योरिटी रिसीट्स, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, दीज आर ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ट्रेजरी प्रोसेस। कोर एरिया ऑफ ट्रेजरी प्रोसेस, बेसिकली ट्रेजरी जो प्रोसेस होती है तो तीन कोर लेयर्स हैं। क्या क्या वो लेयर्स हैं, डीलिंग रूम ऑपरेशंस यानी कि फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस बेसिकली क्या करता है, इट इज द काउंटर जिससे कि आप एज अ कस्टमर डील करते हो। फ्रंट ऑफिस आपके ऑर्डर्स लेगा, कंप्यूटर में ऑर्डर एंटर करेगा एंड उसको प्रोसेस करने के लिए भेजेगा। मिडिल ऑफिस क्या है, मिडिल ऑफिस इज द मार्केट रिस्क डिपार्टमेंट, जो भी फ्रंट ऑफिस से उसको इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसकी रिस्क मैनेजमेंट मिडिल ऑफिस की जिम्मेदारी है। बेसिकली वेरीफाई करना जो रिक्वेस्ट आई है, जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वेदर इट इज जेन्युइन और नॉट जेन्युइन, वेदर दे आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेदर जो बंदा मांग रहा है सर्विसेज, वेदर उसको सर्विसेज दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, व्हाट इज द रिस्क, ऑल दैट इज परफॉर्म बाय मिडिल ऑफिस। बैक ऑफिस इज बेसिकली फॉर योर रिपोर्टिंग एंड योर इंश्योरिंग कि जो भी मिडिल ऑफिस एंड फ्रंट ऑफिस ने काम किया है वो बराबर से किया है या नहीं, उसकी डेटा एंट्री, उसकी अकाउंटिंग, सब कुछ बैक ऑफिस करेगी। बेसिकली बैंक ऑफिस का जो काम है वो मोस्ट ऑफ इट ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे उनको वेरिफिकेशंस करना है, द क्रिटिकल वन जैसे आप लास्ट लाइन देख सकते हो फोबो, फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस रिकंसिलिएशन। तो जो भी फ्रंट ऑफिस बोल रहा है, जो भी बैक ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है, वेदर दैट इज करेक्टली डन और नॉट, ये भी किसी को करना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ इट इज डन ऑटोमेटिकली आजकल सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो दिस इज द प्रोसेस फ्लो फॉर बैंक ट्रेजरी ऑपरेशन, जो अभी ऊपर ने देखा हमने, फ्रंट ऑफिस क्या करता है, मिडिल ऑफिस क्या करता है, बैंक ऑफिस क्या करता है, एंड बेसिकली द एंटायर फ्लो दैट फॉलोज फॉर बैंक ट्रेजरी ऑपरेशंस। रिस्क क्या है, कंट्रोल्स क्या है, अनऑथराइज सिक्योरिटी सेटअप इन सिस्टम सच एज फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, अप्रोप्रिएशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एंड रिव्यू कंट्रोल्स, इनएक्यूरेट ट्रेड इज प्रोसेस, सेग्रीगेशन ड्यूटी एंड रिव्यू कंट्रोल्स, अनऑथराइज कन्फर्मेशंस आर प्रोसेस्ड, complete and accurate confirmations to be obtained from counterparty, insufficient securities available, effective controls and securities and management, incomplete and inaccurate data flow in inter-system reconciliation interfaces. So basically those risks to theek hai, there are many risks that can be there. Control just jitna aap dekh sakte ho, it is more or less your review and approval controls ki barabar se review ho raha hai, barabar se approve ho raha hai, jahan system ke through ho sakta hai wahan system ke through hoga, jahan automatic karne ki zarurat hai wahan apne aap automatic controls बिठा दिए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों लोन्स एंड ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसेस पे। बेसिकली किसी को अगर लोन चाहिए, किसी को अगर पैसे उठाने हैं तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसके क्या रिस्क एंड क्या कंट्रोल्स हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, वन इज फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी, जहां पर पैसे एक्चुअली मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ, बैंक विल ट्रांसफर इट्स ओन मनी टू द कस्टमर। वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन्स, बिल डिस्काउंटिंग, दीज आर कैश बेस्ड या फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज क्या है, यहाँ पर मेरा कस्टमर को मैं पैसे नहीं दूंगा, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी, आई एम गारंटिंग गारंटिंग टू पे द मनी टू अ थर्ड पार्टी, नॉट टू द कस्टमर बट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। ओवरऑल प्रोसेस फ्लो, सबसे बड़ा प्रोसेस फ्लो, पहला प्रोसेस फ्लो क्या होता है, कस्टमर मास्टर क्रिएशन एंड लोन डिसबर्समेंट सिस्टम।
आई हैव टू क्रिएट योर अकाउंट योर आइडेंटिटी इन दी लोन डिसबर्समेंट सिस्टम, ताकि वंस इट इज क्रिएटेड मैं पूरे इंस्टॉलमेंट्स पूरा आपको कितना पैसा कब कब जाना है, कितना पैसा आपसे आना है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, सब कुछ उसमें फीड कर दूंगा. सो रिलेशनशिप मैनेजर जो है, पहले आप जब अकाउंट खुलवाओगे या फिर आपको कुछ भी फैसिलिटी चाहिएगी तो आप पहले उनके पास अप्रोच करोगे और उनको बोलोगे कि हमको ये फैसिलिटी चाहिए. वंस आप रिक्वेस्ट करोगे आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे. जब आप डॉक्यूमेंट्स दे दोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स आर हैंडेड ओवर टू द क्रेडिट टीम. क्रेडिट टीम नॉर्मल वेरिफिकेशन करेगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है, एंड द क्रेडिट टीम विल देन प्रिपेयर अ प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ ऑल द फैसिलिटीज एंड लिमिट्स अप्रूव्ड फॉर द कस्टमर, एंड इट विल सेंड इट टू द डिसबर्समेंट टीम. अभी जो डिसबर्समेंट टीम यानी कि जो पैसे देने वाली टीम है वो आइडेंटिफाई करेगी आपके प्री डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट को एंड कस्टमर अकाउंट को क्रिएट कर देगी जो मास्टर है लोन डेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उसके अंदर. वंस द लिमिट्स आर असाइंड आपको आपके पैसे मिल जाएंगे एंड आप अपना जो फैसिलिटी है उसको अवेल करना चालू कर सकोगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है लोन डिसबर्सल फैसिलिटी यूटिलाइजेशन एंड इनकम अकाउंटिंग. बेसिकली अगेन अगर आपको लोन चाहिए तो आप लोन के लिए पूछोगे बैंक को, आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भरोगे, क्या कौन सा टाइप का आपको लोन चाहिए, फंड बेस्ड लोन है तो टर्म लोन चाहिए, ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, यू विल रिक्वेस्ट द बैंक. बैंक विल अगेन डू अ चेक ऑफ एवरीथिंग कि हाँ बंदे के पास जो क्रेडिट लिमिट्स दे रहे हैं वेदर इट इज ऑथराइज्ड, वेदर उसका हिस्ट्री इज गुड, सिबिल स्कोर देखेंगे आपका, जो अगर मॉर्गेज कर रहे हो तो कुछ मॉर्गेज का वेरिफिकेशन होगा, अगर बिल डिस्काउंटिंग है तो जो कस्टमर इनवॉइस क्रेडिट हो रही है जो भी एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट रेट जो भी कमीशन है अपना वो बैंक काट के आपको पैसे दे देगी आफ्टर थरो वेरिफिकेशन आर परफॉर्म्ड. रिस्क एंड कंट्रोल अराउंड द ट्रेजरी प्रोसेस. प्रोडक्ट अगर ओवरड्राफ्ट है या कैश क्रेडिट है तो इनकम फॉर बैंक इज इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, अकाउंटिंग ऑफ इनकम इंटरेस्ट अक्रूड ऑन अ डेली बेसिस एट द एग्रीड रेट. इंश्योर करना है कि हाँ अगर 10% पर एनम ये जो इंटरेस्ट रेट एग्री हुआ है वेदर दैट इज बीइंग प्रॉपरली अकाउंटेड ऑन अ डेली बेसिस और नॉट. डिमांड ड्राफ्ट इनकम बैंक के लिए कैसे होती है, इंटरेस्ट से होती है, वेदर इंटरेस्ट इज बीइंग अक्रूड. बिल डिस्काउंटिंग discounting income whether the discount amount has been properly accrued at the agreed rates. Bank guarantee commission whether the commission has been accrued properly or not. Letter of credit commission whether the commission is properly approved or accounted for or not. ये अलग अलग process flows दिए हुए हैं, आप just go through कर लीजिएगा. I mean not very important from an exam point of view. तो ऊपर अभी risk and controls in loans and advances processes. Basically loans and advances processes के risk ऑलमोस्ट द सेम एज आपके क्रेडिट कार्ड रिस्क, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड में भी पैसे ही दे रहे हो विदाउट एक्चुअली हैविंग आपको पता नहीं होता कि हाँ मैं लोन दे रहा हूँ वापस पैसे मिलेंगे या नहीं. तो जो वहां पर रिस्क थे क्रेडिट कार्ड में ऑलमोस्ट द सेम यहाँ पर भी है कि क्रेडिट लाइन सेटअप, क्रेडिट अनऑथराइज है, बराबर पैसे नहीं, ज्यादा पैसे दे दिए, कम पैसे दे दिए, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन सही नहीं है, कमीशन कैलकुलेशन सही नहीं है. सो द सेम रिस्क रिमेन इवन हियर एज वेल. जस्ट गो थ्रू देम. मैं बहुत ज्यादा नहीं आपको एक एक लाइन पढ़ के बता रहा बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, प्लस यू विल गेट कन्फ्यूज कि मैं बार बार एक ही चीज बार बार समझाऊंगा तो आपको फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सी चीज किस चीज के लिए थी. गोइंग थ्रू दिस चैप्टर द बेसिक्स द फंडामेंटल्स आई एम गिविंग यू विच आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरी सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट understand them and go through the chapter once again and you will be able to freeze it in your mind. Internet banking process. Internet banking process क्या है? Basically अगर मुझे internet banking चाहिए, online banking चाहिए तो मैं request करूंगा वैसी facility के लिए कि भाई मुझे online banking करनी है, मुझे एक ID password बना के दे दो. तो मुझे बैंक बोलेगी हाँ ठीक है आईडी पासवर्ड बनाओ अपना, एंड पासवर्ड जो है बैंक विल गिव मी माय यूजर आईडी एंड पासवर्ड. इनिशियली एक रैंडम पासवर्ड आएगा एंड दे विल आस्क मी टू चेंज माय पासवर्ड इमीडिएटली ऑन फर्स्ट एक्सेस. बेसिकली जो भी इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड रिस्क है ना, मेजरली इट इज बेस्ड ऑन योर एक्सेस टू सर्वर. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे मेरे अकाउंट के थ्रू अनऑथराइज एक्सेस हो रहे हैं बैंकिंग के पोर्टल्स पे, बिकॉज बैंकिंग का पूरा जो सर्वर है, पूरा जो डेटाबेस है, दैट इज स्टोर्ड ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर इन दी सर्वर्स विच आर कनेक्टेड थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. एंड इफ देर इज एन अनऑथराइज एंट्री देर इज अ रिस्क कि मेरा पूरा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, मेरे बैंक अकाउंट्स के जो डिटेल्स है वो चोरी हो सकते हैं, पैसे फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर हो सकते हैं. तो इसके लिए क्या है, फायरवॉल सेटअप करूंगा मैं, सिक्योरिटी सिस्टम सेटअप करूंगा जिसके थ्रू, जिसके ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के बाद ही मेरा जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस होगा. आप जब ऑनलाइन बैंक पे जाते हो डब्ल्यू 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 डॉट
xyzicici.com पे आपको बोलता है कि ठीक है यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करो, आपका पासवर्ड आपको दिखता नहीं, इट इज इन एन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट सो दैट नोबडी एल्स कैन स्टील इट और यूज इट। देन जब आप पासवर्ड एंटर करते हो तो जो आपकी IBCS एंड IBAS हमने ऊपर पढ़ी अभी, जो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स है उनसे आपका आईडी पासवर्ड मैच किया जाता है। अगर आपका आईडी पासवर्ड सही है तो यू विल गेट दी एक्सेस टू योर अकाउंट, अगर नहीं है तो यूजर डिनाइड बोल के योर मैसेज विल कम। एंड जनरली आपने देखा है कि अगर आप रॉन्ग पासवर्ड एंटर करते हो, 3 बार से ज्यादा आप एंटर करोगे तो योर अकाउंट इज लॉक्ड एंड देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट दी बैंक टू गेट इट ओपन। बेसिकली काफी सारे फैसिलिटीज आपको मिलते हैं, पासवर्ड चेंज, बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक, स्टॉप पेमेंट, कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एटीएम, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड क्वेरीज, सब कुछ आपको आपकी बैंकिंग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर मिलती है। अगेन द इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर विल रिट्रीव द डेटा फ्रॉम सेंट्रल डेटाबेस सिस्टम। आप जो भी रिक्वेस्ट करोगे ना आपके यूजर इंटरफेस के थ्रू, दैट विल बी रिक्वेस्टेड वाया दिस IBAS, IBCS, जो वेब सर्वर्स है, जो आपके एप्लीकेशन सर्वर्स है, आपके डेटाबेस सर्वर्स है, सब के सब एक साथ काम करेंगे आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लाके देने में। एंड यू एज अ कस्टमर नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू सी दैट हाँ मेरा फोन से मैंने ये रिक्वेस्ट किया, बैक एंड पे जो हो रहा है यू डोंट केयर, इन द फ्रंट एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग। E-commerce transaction processing, यहाँ पर हमने पार्ट वन छोड़ा था। मोस्ट ऑफ द e-commerce transactions involve advance payment either through a credit or debit card issued by a bank. Basically, e-commerce transaction processing क्या है? E-commerce, आप Amazon पे कुछ भी सामान खरीद रहे हो, Paytm पे कुछ भी सामान खरीदते हो, तो आप क्या करते हो, आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स इमीडिएटली पे कर देते, उसमें भर देते हो एंड देन द अमाउंट गेट्स डेबिटेड। मोस्ट केसेस में इट इज डन in advance, that is before you have purchased the item or before the item has actually been delivered to you, but abhi cash on delivery option aane ke baad things have changed. However, ek jo normal process hota hai ki aap apna order place karoge, fir wo confirm karega, fir wo jaakar jo merchant ka web server hai wahan se wo saman lekar aayega, aapko dikhayega, then you will go through a payment gateway jahan par aap apne payment details enter karoge, aapka paisa kat jayega and aapka jo fund hai, your bank debits the fund from your bank account and credits it to the merchant's bank account, वो transaction पूरा complete हो जाएगा, उसके बाद आपको आपकी सामान की delivery मिल जाएगी। India में one time password generally जो है, आप जब भी कोई भी transaction करते हो mobile के ऊपर या फिर even card swipe करते हो आप machine में, तो one time password पूछता है आपसे या फिर आपका pin number पूछता है। आप foreign countries में, काफी सारी countries में this is not required। Basically India में ये क्यों एक safeguard या security feature दी गई है, जस्ट फॉर एन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, क्योंकि इंडिया में देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि कुछ आपका फ्रॉड हो जाए कार्ड के साथ, कार्ड चोरी हो गया तो मिसयूज हो जाए, दैट इज वाई योर वन टाइम पासवर्ड ऑलवेज कम्स टू योर ओन मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड मेल आई डी, एंड दैट वेज यू कैन रिमेन सेफ। रिस्क एसोसिएटेड विथ कोर बैंकिंग सिस्टम, फ्रॉम अ रिस्क असेसमेंट एंड कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज क्रिटिकल टू एंश्योर दैट द बैंक कैन इम्पार्ट एडवांस ट्रेनिंग टू इट्स परमानेंट स्टाफ इन कोर एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। दोस्तों सबसे पहले इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर बैंक टू आइडेंटिफाई क्या क्या रिस्क है, कौन से एरिया में रिस्क है, एंड देन उसके मिटिगेटिंग कंट्रोल्स क्या है, एंड देन एडिक्वेटली ट्रेन द स्टाफ टू एंश्योर कि जो भी रिस्क है स्टाफ इज एडिक्वेटली इक्विप्ड ट्रेन्ड टू एंश्योर कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो स्टाफ नोस कि क्या करना है उनको, एंड इनफैक्ट इतना अच्छा ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि स्टाफ कुछ गलत होने ही ना दे। अलग अलग एरियाज क्या है जहां पर रिस्क हो सकता है CBS के अंदर, ओनरशिप ऑफ डेटा प्रोसेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश क्लियर ओनरशिप। डेटा सेंटर, डेटा सर्वर्स में डेटा स्टोर किया जाता है, हु इज द ओनर, कौन ऑथराइज्ड है उसको एक्सेस करने के लिए, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, व्हाट आर द यूसेज पॉलिसीज, रिस्ट्रिक्शंस, एक्सेसिबिलिटी, सब कुछ डिफाइंड होना चाहिए। ऑथराइजेशन पॉलिसी, जो भी CBS को एक्सेस कर सकता है, वेदर ही इज द राइट पर्सन टू एक्सेस, वेदर ही और शी इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस होना ही नहीं चाहिए, एंड अगर मुझे एक्सेस चाहिए भी सो देयर शुड बी अ प्रॉपर रिक्वेस्ट एंड अप्रूवल फ्लो जिसके हिसाब से मैं एक्सेस ले सकूं। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, जो भी ट्रांजेक्शन होता है CBS के थ्रू देर शुड बी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन गाइडलाइंस, जैसे कि अभी अगर मेरा वन टाइम पासवर्ड आ रहा है, दैट इज वन काइंड ऑफ एन ऑथेंटिकेशन कि हाँ जो यूजर है, जो एक्चुअल यूजर है कार्ड का, वही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है। सिमिलरली इवन फ्रॉम द बैंकिंग एंड, अगर मैं कुछ भी आइटम प्रोसेस कर रहा हूँ या कुछ भी ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर रहा हूँ, इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड एंड करेक्ट। सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस अक्रॉस डाइवर्स नेटवर्क,
एक डेटा सेंटर में 70, 80, 100 सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप हो सकते हैं टू मैनेज द एंटायर शो. उस डेटा उस सॉफ्टवेयर को ओन कौन करता है, उनके जो अपडेट्स है, उनका मेंटेनेंस है, उनका प्रोटेक्शन है, वो सब एक चैलेंज है, एक रिस्क है. मेंटेनिंग रेस्पॉन्स टाइम, बेसिकली जो कस्टमर है यू नो दे एक्सपेक्ट क्विक रेस्पॉन्स टाइम कि हाँ मैंने अभी स्वाइप किया कार्ड, अभी मुझे पेमेंट करना है. ऐसा नहीं कि 10 मिनट रुक रहा हूँ, 15 मिनट रुक रहा हूँ. रेस्पॉन्स टाइम, या फिर मैं कुछ क्वेरी पूछता हूँ, या फिर मैं कुछ कुछ भी इंटरेक्शन करता हूँ बैंक के साथ, आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्विक टाइम, क्विक रेस्पॉन्स टाइम. सिमिलरली इफ दे हैव टू गिव मी अ क्विक रेस्पॉन्स, देयर इंटरनल वर्किंग शुड बी फास्ट. उनका जो सॉफ्टवेयर है वो क्विकली क्वेश्चन लेके उनको करेक्ट आदमी को पॉपअप इमीडिएटली करना चाहिए, नोटिफिकेशन अलर्ट देना चाहिए, या फिर ऑटोमेटेड होना चाहिए कि हाँ अगर ये कार्ड स्वाइप होगा तो ये चार चीजें अपने आप होगी, देन ओनली आई कैन मेंटेन माई रेस्पॉन्स टाइम. यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट बहुत बड़ा इश्यू है. बहुत सारे यूजर्स होते हैं एक सीबीएस के, एक साथ काफी सारे यूजर्स इंटरेक्ट कर सकते हैं सीबीएस के साथ. ऐसा नहीं हो कि एक यूजर की रिक्वेस्ट दूसरे यूजर की रिक्वेस्ट से मर्ज हो जा रही है, जैसे क्रॉस कनेक्शन लगता है फोन पे. क्रॉस कनेक्शन फोन पे लगेगा तो ठीक है, आप किसी रैंडम आदमी की बात सुनोगे, बट यहां पर अगर क्रॉस कनेक्शन लग गया तो पैसे गलत ट्रांसफर हो सकते हैं. एक्सेस कंट्रोल, कौन किसके पास किस चीज का एक्सेस है, बहुत केयरफुली डिसाइड करना पड़ेगा, बहुत केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा. इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर्स, अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है सो वॉट इज द कवरेज कि उस रिस्क को, उस इंसिडेंट को आप बराबर हैंडल कर पाओगे, टाइमली हैंडल कर पाओगे. चेंज मैनेजमेंट, अगर कुछ भी चेंज होता है, चाहे वो एप्लीकेशन लेवल पे हो, डेटा लेवल पे हो, मास्टर फाइल्स हो, ट्रांजैक्शन फाइल्स हो, सॉफ्टवेयर हो, इट इज नॉट ऑलवेज इजी. जब आपका फोन का सॉफ्टवेयर चेंज होता है, नया सॉफ्टवेयर आ जाता है आपके फोन में, आपको थोड़ा टाइम लगता है समझने में कि अरे क्या क्या चेंजेस हुए. सिमिलरली द बैंक्स ऑल्सो हैव टू एंश्योर कि अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वेदर द चेंज मैनेजमेंट इज हैपनिंग प्रॉपरली नॉट, बिकॉज दैट इज अ रिस्क एरिया. IT related risks and mitigating controls. भाई auditors, see at the end of the day EIS भी हम audit point of view से ही पढ़ रहे हैं कि auditor को क्या करना चाहिए, ये सब पहले तो उनको जानना चाहिए, and then how to apply audit procedures to that. Auditors are expected to be control experts, यानी कि उनको समझ में आना चाहिए ये सब चीजें. CBS softwares use technology platforms to provide a complete range of banking services, integrating bank and its branches and providing end-to-end services to customers. बेसिकली नाउ आई हैव टू एज एन ऑडिटर अंडरस्टैंड क्या क्या अलग अलग रिस्क है एंड कैसे उनको मैं एज एन ऑडिटर इंश्योर करूंगा कि दीज रिस्क आर इन कंट्रोल. क्या क्या अलग अलग रिस्क हो सकते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन. एफिशियंसी ऑफ योर सीबीएस. इफेक्टिवनेस, कितना इफेक्टिव है, कितना टाइम लेता है, कितना फास्ट होता है. रिलायबिलिटी, इज इट ऑलवेज अवेलेबल, क्या जो डेटा स्टोर हो रहा है वो सिक्योर है, वेदर माई एंटायर स्ट्रक्चर इज रिलायबल. कॉन्फिडेंशियलिटी, आपके कस्टमर्स की उसमें कॉन्फिडेंशियल डेटा, आपके OTP नंबर्स, आपके पासवर्ड्स, आपके आईडी जो आधार कार्ड लेते हो आप, या फिर आपके क्रेडिट कार्ड नंबर, सब स्टोर होते हैं, वेदर एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल और नॉट. इंटीग्रिटी, क्या जो ट्रांजेक्शन है दे आर बीइंग कंप्लीटेड करेक्टली या फिर इनएक्यूरेट हो रहे हैं, दैट इज अ रिस्क. अवेलेबिलिटी, द एंटायर इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुड बी अवेलेबल एवरी टाइम व्हेन रिक्वायर्ड. ऐसा नहीं हो कि आधे टाइम डाउन ही पड़ा है सिस्टम, देन इट इज यूजलेस एंड इट इज रिस्की ऑल्सो. कंप्लायंस, जितने भी लीगल, स्टैट्यूटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी रिक्वायरमेंट्स है कंप्लायंस के, वेदर योर सिस्टम्स आर और योर एंटायर आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएस इज मीटिंग दैट और नॉट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर्स आल्सो टू कीप अ चेक. इन दिस सेक्शन सैंपल लिस्टिंग ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल्स रिलेटिंग टू क्रिटिकल टाइप ऑफ जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशंस आर आउटलाइन. डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस. डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशंस क्या होते हैं, दे आर कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग सब प्रोसेसेस, बैकअप्स एंड रिस्टोरिंग ऑफ डेटा, यानी कि जो भी डेटा रिकॉर्ड हो रहा है उसका बैकअप, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका रिस्टोरेशन कैसे होगा. जॉब एंड बैच स्केड्यूलिंग एंड प्रोसेसिंग. अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन मेरे को रेगुलर बेसिस पे करने हैं, जैसे चेक क्लियरिंग जो होता है वो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट आएगा टाइम में, रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, जब भी यू डिफाइन इट, ऑल द चेक्स जो प्रेजेंट हुए हैं आज के दिन सब क्लियर होंगे एंड पूरा का पूरा पैसा एक साथ सबके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा. इट इज नॉट अ पर इवेंट प्रोसेस, एक क्लियरिंग एक साथ बैच में हो जाएगी. अभी इंटरेस्ट आपके अकाउंट में मुझे क्रेडिट करना है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ सबके बैंक अकाउंट में एक साथ क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज दैट साइकिल विल रन, दैट क्लियरिंग विल रन. ऐसा नहीं कि मैं एक एक में जाकर उसको क्रेडिट 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 दबाऊंगा, वैसा नहीं होगा, इट विल ऑल बी ऑटोमेटिकली डन. मॉनिटरिंग ऑफ एप्लीकेशंस एंड सपोर्टिंग सिस्टम, जितने भी सर्वर्स है, जितने भी एप्लीकेशंस है, जितने भी प्रोसेसेस रन हो रहे हैं उसको मॉनिटर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. वैल्यू एड एरियाज ऑफ सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, जो भी SLAs है वेंडर्स के साथ, हमने बहुत बार पढ़ा है कि SLAs क्या होता है.
जो भी SLAs है वेंडर्स के साथ, जो भी सर्विसेज है उसको कौन मॉनिटर कर रहा है। मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है एक XYZ काम करने का, बट वो काम हो रहा है या नहीं, हु इज मॉनिटरिंग। इट इज अ रिस्क विच रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल्स। यूजर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन पर, जो भी लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वेदर दे आर एडिक्वेटली ट्रेन्ड एंड उनके पास कॉम्पिटेंसी है, स्किल सेट है IT एनवायरनमेंट को हैंडल करने की बराबर से या नहीं, दैट इज अ रिस्क एंड उसके लिए कंट्रोल्स होने बहुत जरूरी है। तो यहां पर दोस्तों जो हमने पढ़े उसी के ब्रॉड में रिस्क एंड कंट्रोल्स दिए गए हैं, जो सब प्रोसेसेस पढ़े। रिस्क क्या रहते हैं, आपका ट्रांजैक्शन सही से नहीं हुआ या ट्रांजैक्शन कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हुआ, गलत चीजें रिकॉर्ड हो गई, टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, या फिर जो क्वेरीज है यूजर्स की वो टाइमली अवेलेबल टाइमली आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो। अलग अलग टाइप के बहुत सिंपल सिंपल रिस्क दिए गए हैं, मैंने मार्क किया है यहाँ पर, एंड एनी विच वेज ये PDF मैं अपलोड कर ही देता हूँ अपने चैप्टर्स के साथ है। यू कैन रीड दैट एंड यू कैन रीड दी ensuing IT controls also। जैसे अगर transaction may not be recorded, उसका control क्या रहेगा, आप सब transaction recording online कर दो and अगर कोई exceptions जो computer pop up करेगा उसको आप review करोगे। invalid items may be recorded, तो access to automated job scheduling should be given to only appropriate individuals जो trained है उसके ऊपर, and सिर्फ वो लोग ही जो भी machine के साथ running करना है काम का वो लोग ही करेंगे। so ऐसे simple risks है, simple controls है, I have marked a few of them, you need not learn all of them। अगर questions आते हैं just remember 4 or 5 points and that should be sufficient, it is a very straightforward। information security basically आपका information आपके computers पे है या फिर banking systems पे है, उसको secure करना है। RBI ने क्या किया, RBI ने एक ISO standard बना दिया 27001 2013। basically ISO standard मतलब it is a list of standards कि अगर आपको ऐसा 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 मेंटेन करना, इट्स गाइडलाइंस, इट्स प्रिंसिपल्स। नाउ इफ योर बैंक इज अधियरिंग टू ISO 27001 2013 गाइडलाइंस, देन इट इज एन ISO सर्टिफाइड बैंक एंड दैट मींस आई कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि हाँ ISO सर्टिफिकेशन मिला है, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ठीक ठाक चल रही है इसमें, इट इज एज पर दी RBI गाइडलाइंस। सो बैंक्स आर एनकरेज, बैंक्स आर एडवाइज टू ऑब्टेन दीज ISO सर्टिफिकेशन, ताकि सबको मालूम रहे कि हाँ ये बैंक ISO सर्टिफाइड है, यानी कि इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, इसके जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, इट इज गुड। यूजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू सिक्योरिटी फॉर वेरियस यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, चाहे वो ऑफिस के अंदर हो या फिर कस्टमर हो, उनका जो सिक्योरिटी है दैट शुड बी एंश्योर्ड। अगर कोई यूजर ऑथराइज नहीं है यूज करने का सिस्टम, इट शुड बी डिसेबल्ड। नए यूजर को अगर क्रिएट करना है, इट शुड ओनली बी डन आफ्टर ड्यू अप्रूवल्स। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी अराउंड द यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आप कौन सा डाउनलोड कर सकते हो अपने ऑफिशियल सिस्टम पे, कैसे उसको कॉन्फिगर करोगे, अगर आपको कोई कॉन्फिगरेशन चेंज करना है तो कैसे करोगे, क्या सिक्योरिटी पैरामीटर्स है। अभी जैसे मेरे ऑफिस का लैपटॉप है, आई कैन नॉट डिसेबल द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आई एम नॉट अलाउड, इट इज ओनली अलाउड बाय एन IT एडमिनिस्ट्रेटर जिसका ID पासवर्ड मेरे पास नहीं होता। वाई, बिकॉज इट इज अ एप्लीकेशन सिक्योरिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई डिसेबल इट, कल को मेरा जो डेटा है दैट कैन गेट करप्टेड, दैट इज वाई the employees will not have access। similarly you need to have strong application security। वैसे ही है डेटाबेस सिक्योरिटी, आपकी जो डेटाबेस है उसकी सिक्योरिटी, ऑपरेशन सिस्टम जो है OS, अगर आपका विंडोज 10 है, यू शुड नॉट बी एबल टू मेक एनी अननेसेसरी चेंजेस टू दी सिस्टम फाइल, जो सी ड्राइव में फाइल्स होते हैं, जो कर्नल फाइल्स होते हैं, यू शुड नॉट बी एबल टू डिलीट और चेंज देम, अदरवाइज योर सिस्टम कैन क्रैश। नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फिजिकल सिक्योरिटी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टू योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगेन लिस्टिंग ऑफ रिस्क एंड IT controls यहाँ पर है, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मैंने अभी पढ़ाया वही यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, यू कैन, जो मैं मार्क किया हूँ, यू कैन स्टडी दोज एंड यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड की आपका पूरा कवर हो गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 में, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को याद रहेगा, क्विक रिविजन करवा देता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, इट इज बेसिकली ऑल दी एप्स दैट यू यूज। अगर आप फोन लेके रखे हो उसमें जो भी आप एप्स इंस्टॉल करते हो, दोज आर योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसे ही आपके कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, दोज आर योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिस्क एंड कंट्रोल, बेसिकली रिस्क क्या है, अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरा है, से इंटरेस्ट कंप्यूटेशन के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर लगाया, व्हाट इज द रिस्क, इंटरेस्ट मे बी इनकरेक्टली कंप्यूटेड लीडिंग टू इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। आप क्या करोगे आईटी कंट्रोल्स में, आपने लॉजिक बिल्ड कर दिया है, ऑटोमेटेड कर दिया है उस कंट्रोल को, कि इंटरेस्ट इज ऑटोमेटिकली करेक्टली कंप्यूटेड, डिजिट्स आर राउंडेड ऑफ अप्रोप्रिएटली एंड
उसके साथ साथ आप रिव्यू भी कर सकते हो कि हाँ रैंडम चेक कर लिया कि हाँ इंटरेस्ट 100 रुपए क्रेडिट होने थे, 100 रुपए ही क्रेडिट हुए, रैंडम चेक भी आप कर लो, बट जनरली आप सिस्टम को ही कॉन्फिगर कर दोगे टू एंश्योर द करेक्ट फॉर्मूला इज पुट इन एंड द करेक्ट कंप्यूटेशन इज बीइंग डन। वैसे ही इन अप्रोप्रिएट रिवर्सल ऑफ चार्जेस रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ रेवेन्यू, बैंक ने कस्टमर के ऊपर कोई चार्जेस लगाए फिर गलती से उसको रिवर्स कर दिया, दैट मीन्स योर रेवेन्यू हैज बीन लॉस्ट। सो सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा रिवर्सल ऑफ योर जो भी बैंक चार्जेस है उसका रिवर्सल अलाउ ही नहीं करेगा आपको बाई डिफॉल्ट। यू विल नीड टू हैव सम एडमिन एक्सेस और पासवर्ड, ओनली देन यू विल बी एबल टू रिवर्स योर एनी रिवर्स योर एनी चार्जेस दैट हैव बीन चार्ज बाई द बैंक टू द कस्टमर। अगेन नॉर्मल रिस्क है, नॉर्मल आपका उसका जो मिटिगेशन है दैट इज ऑल्सो देयर। इन अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी और कंट्रोल्स ओवर सिस्टम पैरामीटर सेटिंग्स, जो मैंने आपको बताया जो सिस्टम सेटिंग्स है उनका जो कंट्रोल्स है अगर मैं चेंज करना चाहूँ, इट शुड बी ओनली डन बाय ऑथराइज्ड यूजर्स, यानी कि जनरली आईटी एडमिन्स होते हैं। आई एज एन एम्प्लॉय शुड नॉट बी एबल टू चेंज एनी सिस्टम सेटिंग विच विल कंप्लीटली चेंज माई सिस्टम या फिर द एंटायर सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही और दो तीन मैंने सेम टाइप है, इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीएस, सेम लाइक इनकरेक्ट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट है, फेलियर टू लिवाई अप्रोप्रिएट चार्जेस, समथिंग लाइक रिवर्सल ऑफ चार्जेस, वेरी सिंपल। ये जो बाकी दो तीन पॉइंट्स है रिमेंबर देम, इट्स जनरल, आई मीन यू नीड नॉट बाय हार्ट देम, इट्स प्रीटी सिंपल टू रिमेंबर सच एग्जाम्पल्स। अब आते हैं नेक्स्ट इस पे, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बीच में। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मास्टर्स ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्ट, थोड़ा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेदर इट इज अ हाई एंड सीबीएस सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर और अ सिंपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैव प्राइमरी फोर गेटवेज थ्रू विच एंटरप्राइज कैन कंट्रोल फंक्शनिंग एक्सेस एंड वेरियस मेन्यूज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सॉफ्टवेयर, दीज आर एज फॉलोज। कॉन्फ़िगरेशन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीबीएस सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन रिफर्स टू द वे सॉफ्टवेयर सिस्टम है सेटअप। सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप जब नया अपना मोबाइल सेटअप करते हो आपको बोलेगा कॉन्फ़िगर योर पासवर्ड, कॉन्फ़िगर योर फिंगरप्रिंट, कॉन्फ़िगर योर आई स्कैनर, कॉन्फ़िगर योर लैंग्वेज, कॉन्फ़िगर डेट एंड टाइम सेटिंग्स, दैट इज नथिंग बट कॉन्फ़िगरेशन। आपको अपना सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करने की छूट मिलती है। कई कई कस्टमाइज कई कई सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो प्लग एंड प्ले होते हैं, यानी कि रेडी टू यूज, ऑलरेडी कस्टमाइज है, यू नीड नॉट डू एनीथिंग, आपने इंस्टॉल किया एंड यूज करना स्टार्ट कर लिया विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन। Some example of configurations are defining access rule, user type, customer type, user access, password management and all of that. Masters, masters यानी कि parameter जो है पूरे पूरे product के लिए वो set parameters है, यानी कि every single person who downloads that application or every single person who uses that service or uses that app will have these settings. ये settings change नहीं कर सकते users. These settings can only be changed by approved, authorized administrators. यानी जैसे कि interest computation, जो interest की percentage है, that is fed कि हाँ 5% interest मिलेगा आपको. Now that cannot be changed. It will be the same for every single person. ये क्या हो गया? Wait, let me just change. Okay, so we are back. टेढ़ा हो गया था थोड़ा स्क्रीन। मास्टर्स, तो हमने मास्टर्स की एक्सप्लेनेशन देख ली है। अभी सब एग्जांपल्स ऑफ मास्टर्स आर कस्टमर मास्टर फॉर एडवांसेस। हर एक कस्टमर को एक लिमिट होती है कि हाँ इस कस्टमर को इतना लोन मिलेगा, इतना क्रेडिट पीरियड मिलेगा, इतना क्रेडिट लिमिट मिलेगा, इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इतना सैंक्शन टर्म्स रहेगा, अलग अलग चीजें उसमें फीड कर दी जाएगी। डिपॉजिट मास्टर्स, वैसे ही अलग अलग टाइप के डिपॉजिट रहेंगे। सेविंग्स अकाउंट में इतना डिपॉजिट कर सकते हो या इतना इंटरेस्ट मिलेगा, मिनिमम बैलेंस इतना है, विड्रॉ आप इतना ही कर सकते हो, अलग अलग मास्टर में फीड रहेंगे। उससे अगर कुछ भी अलग होता है सो यू विल योर सिस्टम विल नेवर अलाउ यू। कस्टमर मास्टर, एम्प्लॉय मास्टर, इनकम टैक्स मास्टर, बेसिकली स्टोरिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एंड इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी आपका स्लैब्स है, टीडीएस है, टैक्स रेट्स एप्लीकेबिलिटी है, वो सब सब उसमें एप्लीकेबल रहेगा। ट्रांजेक्शन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीबीएस सॉफ्टवेयर ट्रांजेक्शन रिफर टू द एक्चुअल ट्रांजेक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच कैन बी यूजर यूजिंग मेन्यू। अगर आपने अपने बैंकिंग ऐप को खोल के देखा है कभी भी, उसमें ट्रांजेक्शन अगर आपको करना है, आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, पैसे एफडी में ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को पे कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, चेक रिक्वेस्ट कर सकते हो, दोज आर ऑल योर डे टू डे ट्रांजेक्शन। उसमें देयर इज नथिंग वेरी एक्सक्लूसिव। एग्जांपल्स क्या है? डिपॉजिट ट्रांजेक्शन, पैसा डिपॉजिट, एडवांस ट्रांजेक्शन, ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफर,
जनरल लेजर, अगर मुझे अपना पूरा का पूरा लेजर देखना है, ईसीएस अपलोड देखने हैं, ऑथराइजेशन देखने हैं, अप्रूवल्स देखना है, ऑल दोज आर योर एवरीडे ट्रांजेक्शन दैट यू डू विथ योर बैंकिंग सिस्टम. Reports. User at different levels used information which is processed by the computers. The information could be in form of reports which are periodically generated or on demand. Basically, जो भी normal reporting होता है, आप जो भी reports देखते हो अपने systems from a computer. If you are using your banking as a customer, तो आप क्या करोगे? आपके dashboard रहेगा एक app पे. उसमें आप देख सकते हो total withdrawals, total deposits. कितना फिक्स डिपॉजिट, कितना इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स में आपने कुछ लेके रखा है, तो रिपोर्ट्स मिलेंगे आपको एज ए यूजर. सिमिलरली अगर आप बैंक के यू नो यू आर द एम्प्लॉय या फिर यू आर द मैनेजमेंट, उनको भी बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलते हैं टू शो देम, अच्छा टोटल इतने डिपॉजिट, इतने विड्रॉल्स, इतना इंटरेस्ट, इतना पेनल्टीज, इतना चार्जेस वगैरह वगैरह. दिस इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्ट्स जो मैंने बताया यहाँ पर दिए हुए हैं. नेक्स्ट आ जाइए, टॉपिक है अपना रिपोर्टिंग सिस्टम्स एंड MIS डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस. सबसे पहले बाजल थ्री कन्वेंशन. दोस्तों बाजल बहुत एक जगह है स्विट्जरलैंड में, बाजल, वहां पर जो बैंकिंग रिफॉर्म्स है, बैंकिंग कन्वेंशन है, मेजोरिटी वहीं, जितने भी आप देखोगे बाजल वन, बाजल टू, बाजल थ्री कन्वेंशन, एवरीथिंग रिलेट्स टू हाउ योर बैंकिंग शुड रेगुलेट इटसेल्फ ग्लोबली. कैसे बैंक्स फंक्शन होने चाहिए, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, सब रिफॉर्म मेजर्स है. Developed by the Basel Committee on Banking Supervision to strengthen the regulation, supervision and risk management of banking sector. The measures aim to improve the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic crisis. Basically, सब जो intelligent लोग हैं banking area, economics जो ध्यान रखते हैं, जो idea रखते हैं, all of them came together and told कि देखो भाई banking एक तरीका होना चाहिए banks को operate करने का, ताकि वो लोग कहीं क्रैश नहीं हो जाए. अगर बैंक्स क्रैश होती है तो आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है. बेसिकली बाजल थ्री वाज नथिंग बट वन ऑफ द कन्वेंशंस व्हिच डेवलप्ड सम रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से थोड़ा रेगुलेशन, थोड़ा कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स बने एंड बैंक्स विल ऑपरेट विद इन दोस फ्रेमवर्क्स. एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स. इंडिया में क्या क्या एप्लीकेबल है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया 1949 में, जितने भी बैंक्स है, जितने भी बैंकिंग फर्म्स है, उसको रेगुलेट करता है. इनिशियली लॉ वॉज एप्लीकेबल ओनली टू बैंकिंग कंपनीज, बट 1965 में इट वॉज एक्सटेंडेड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल. आरबीआई को बेसिकली पावर दे देता है ये एक्ट कि भाई तुमको अगर नया बैंक चालू करना है तो लाइसेंसिंग आप करोगे, उसका शेयर होल्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो, वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स आप डिसाइड कर सकते हो, सुपरविजन कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो एक बैंक की. नाउ आरबीआई बिकम्स द ऑल पावरफुल बॉडी बेसिकली. आरबीआई ऑल्सो प्रोवाइड्स द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर नेफ्ट, NEFT, RTGS एंड अदर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. NEFT एंड RTGS का फुल फॉर्म दोस्तों मैं बताऊं या आप गूगल करोगे? गूगल करो ताकि आप पढ़ भी पाओगे पूरा का पूरा, सो दैट यू विल रिमेंबर इट. मैं अभी बताऊंगा, आप सुनोगे फिर भूल जाओगे. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ कब का जमाने का एक्ट है, 1881 का, बट इट इज स्टिल एप्लीकेबल. एंड आई डोंट नो वाई अंडर दिस सेक्शन व्हेन आई रेड व्हाट इज बीन गिवन अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इट ओनली टॉक्स अबाउट चेक्स. उसमें भी चेक में भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक, of truncated check and a check in electronic form. Please do not study this. Negotiable Instrument Act, जाके आप normal ऐसे ही पढ़ लो what is NI Act and उसके main parameters क्या है, because यहाँ पर जो दिया हुआ है that is completely rubbish. उसमें कुछ भी नहीं है, it is just what is an electronic check and nothing else. RBI regulations. The Reserve Bank of India was established on April 1, 1935 through the RBI Act which is in 1934. Reserve Bank का काम क्या था और क्या है? To regulate the issue of bank notes and keeping of reserves with a view of to securing monetary stability in India. Basically, a reserve bank is the bank of banks. It is the mother of all banks in the country. It is the super bank. Jo bhi kuch bhi rules, regulations, repo rate, guidelines, anything that has to happen in the banks in the country, it is driven by the Reserve Bank of India. Key functions of the RBI, more or less we know, monetary authority. Paisa pura uske paas hai. जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज है, जो भी रेट्स है, सब कुछ आरबीआई अप्लाई करेगा. रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम. जितना भी पैसा है, जितना भी बैंक ऑपरेशन है, कुछ भी अगर गड़बड़ हो रहा है, सही हो रहा है, ऑडिट करवाना है, चेकिंग करवानी है, किसी को कुछ एग्जेम्पशन देना है, आरबीआई करेगा. इश्यूअर ऑफ करेंसी. सब पैसा आरबीआई के थ्रू ही आता है एंड आरबीआई के पास ही एट द एंड उसकी ओनरशिप है. नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग. वेल इम्पैक्ट तो बहुत हुआ है, बट हियर फोर की कॉम्पोनेंट्स में
उस बैंकिंग बिजनेस के इंपैक्ट्स को बांटा गया है। क्या है वो फोर एरियाज? बिजनेस प्रोसेस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेसिकली यहां पर अगर आप देखोगे, ये टेक्नोलॉजी ने इन चार चीजों पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव डाला है वो है बिजनेस प्रोसेस, क्योंकि आपका पूरा का पूरा बिजनेस प्रोसेस चेंज हो गया है। पहले आप लाइन में लग के काम करवाते थे, खड़े होके स्टैंप लेके साइन लेके लोगों का मुंह देख के, अब ये आप ऑनलाइन फटाफट ट्रांजैक्शन करवा सकते हो। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, पहले पॉलिसीज प्रोसीजर्स लिखित में होती थी, प्रिंटेड होती थी, इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देम। इवन नाउ इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इट इज नाउ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स विथ द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमिंग इन, इट इज ऑल्सो बिकम कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि और बहुत सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी आ गए हैं। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैव चेंज्ड अ लॉट थैंक्स टू द आईटी इंटरवेंशन। अभी आप पहले बैंक्स को सिर्फ तिजोरियां रखनी पड़ती थी, चाबी रखने पड़ते थे, बट अब हैकर्स, साइबर सिक्योरिटी, वायरस सबसे बचाना होता है, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी काफी सारी बढ़ गई है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले जहां पर हजारों ब्रांचेस खोलने पड़ते थे, हजारों लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता था, अभी सब ऑटोमेट हो गया, एप्स फोन में आ गए हैं, यू डोंट नीड दोस बिग बिग बिल्डिंग ब्रांचेस, ना ही आपको हजारों लोगों का स्टाफ चाहिए टू डू द ट्रांजेक्शंस, एवरीथिंग कैन हैपन ऑनलाइन वेरी इजीली। मनी लॉन्ड्रिंग, नाउ दिस इज द मोस्ट नॉट इंपॉर्टेंट सॉरी द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट हैज अकॉर्डिंग टू मी बीन स्टडीड इन एंटायर EIS सब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच एक्साइट्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं ये नहीं कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग करो, या फिर हम एक्साइटेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग करना CAS का फोर्टे है, इट इज इलीगल, इट शुडंट बी डन, बट देन इट इज नंबर्स, इट इज अ वे ऑफ ट्विस्टिंग एंड टर्निंग थिंग्स, एंड दैट इज वाई अरे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है जानने में मजा आता है, इट्स फॉर नॉलेज। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस बाय विच प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम एंड द ट्रू ओनरशिप ऑफ दोज प्रोसीड्स आर कंसील्ड। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जो बड़े बड़े, सी इट्स नॉट ओनली क्रिमिनल्स, मतलब क्रिमिनल्स यानी कि कोई डॉन या फिर कोई मर्डरर या फिर कोई स्मगलर जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, आजकल तो कॉर्पोरेशंस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी, आई विल नॉट नेम एनीबडी क्योंकि फिर वो गलत हो जाता है, बट एवरी बिग कॉर्पोरेशन डज मनी लॉन्ड्रिंग। जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक सब साधु हैं, जिस दिन पकड़े गए उस दिन कपड़े खुल जाते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या है, मैंने पैसा कमाया है, नाउ आई डोंट वॉन्ट टू पे टैक्स ऑन इट, मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स लगाऊंगा, कुछ ऐसे तरीके लगाऊंगा जिससे कि वो जो मनी है मेरा वो लेजिटिमाइज हो जाए। सी अब मनी विच हैज नॉट बीन, ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड, वेदर इट इज क्रिमिनल मनी या फिर इट इज मनी अर्न थ्रू द नॉर्मल ट्रेड ऑफ गुड्स, मैं अगर उस पर टैक्स नहीं पे करता हूँ, सो इट इज नॉट अ लेजिटिमेट सोर्स, ठीक है, इट इज इलीगल मनी। अब मैं उस इलीगल मनी को लीगल करना, जो दो नंबर का पैसा है उसको वाइट करना चाहता हूँ, पैसों को ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि हाँ ये तो मेरे ही पैसे थे एंड दिस इज ऑल क्लीन मनी। तो मनी लॉन्ड्रिंग में मैं क्या करूंगा, मैं अपना, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट समथिंग विच कैन बी एक्सप्लेन इन 5 मिनट्स, बट मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होगा, यहां से मैं और किसी के नाम पे या और एक छोटे 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 अपने ऑफशोर अकाउंट्स खोलूंगा। ऑफशोर अकाउंट्स यानी कि मॉरिशियस में खोल दिया, केमैन आइलैंड्स में खोल दिया, बेसिकली दीज प्लेसेस आर नोन एज टैक्स हेवंस, यानी कि यहां पर कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं होता, उसके ऊपर अगर मैं वहां पर पैसा रखता हूं, देयर जो उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इट विल नॉट अलाउ दैट कंट्री टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू एनीबडी एल्स। यानी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट जाकर बोलती है केमन आइलैंड्स के गवर्नमेंट को कि भैया मेरे को जितने भी शेयर, जितने भी बैंक होल्डर अकाउंट्स है उसके सब डिटेल्स दो इंडिया वालों के, वो बोलेगा गेट लॉस्ट, नहीं देगा। सेम विद स्विस बैंक अकाउंट्स, दे विल नॉट रिलीज द इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, एंड दैट इज वाई दे बिकम समथिंग कॉल्ड एज टैक्स हेवंस, बिकॉज टैक्सेशन वहां पर कुछ है नहीं, एंड कितना भी पैसा हो वहां पर नोबडी केयर्स। तो अब क्या होगा, मैंने एक बैंक अकाउंट खोलकर अपना दो नंबर का पैसा वहां पर डिपॉजिट करवा दिया, वहां से मैं अपना एक अलग बिजनेस स्टार्ट करूंगा। कैसे, वहीं पर रजिस्टर कर दूंगा केमैन आइलैंड्स बोल के, से हम एंटरटेनमेंट कंपनी, स्पोर्ट्स कंपनी, कुछ भी कंपनी स्टार्ट कर दूंगा, एंड देन आई विल शो कि हाँ ये चार ट्रांजेक्शन किए हैं मैंने फ्रॉम दैट स्पोर्ट्स कंपनी एंड दिस इज द मनी दैट आई हैव अर्न। ऑल दो ट्रांजेक्शन आर फेक, दोज बिल्स विल बी फेक, देयर विल नेवर बी एनीथिंग दैट हैज हैपेंड, बट स्टिल आई हैव शोन, पेपर ट्रेल बता दिया मैंने, और पेपर ट्रेल बनाने में कोई बड़ी बात है नहीं, आपको थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, यू कैन मेक, आप GST डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो पेपर पैसे देके, एक्साइज रॉन्ग बिल्स ले सकते हो, बहुत इजी है। व्हेन यू विल डू योर CA कोर्स, व्हेन यू विल डू योर आर्टिकलशिप, यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर डेप्थ कि कैसे होता है, क्या होता है, व्हेन यू रीड मोर अबाउट इट, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स बट अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। इसके लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट टू स्टॉप, अभी बैंक से
देखो पैसा तो जाना बैंक से ही है, दैट मीन्स द पीपल इन द बैंक विल नो अबाउट इट, द बैंकर्स विल नो, द बैंक विल नो अबाउट इट. अब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंप्लीमेंट करेंगे. उससे क्या होगा, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं 10 लाख या उसके ऊपर से, सो थ्रेशोल्ड हैज बीन डिफाइंड 10 लाख, उससे इक्वल या उसके ऊपर फॉरेन करेंसी में अगर होंगे तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे एंड फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करोगे. इन रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन करोगे 5 सालों के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स. सच रिकॉर्ड्स इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ वैल्यू मोर देन 10 लाख और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी होगा या फॉरेन करेंसी होगा, 10 लाख या उसके ऊपर है तो उसको आप रिकॉर्ड करके अलग से रखोगे एंड 5 साल तक वो रिकॉर्ड को रखोगे. द की एस्पेक्ट्स आर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन. अगर मैं कैश डिपॉजिट कर रहा हूँ, कैश विड्रॉल कर रहा हूँ 10 लाख के ऊपर, आई हैव टू रिकॉर्ड इट. ऑल सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ वैल्यू लेस देन 10 लाख इंटीग्रली कनेक्टेड इफ दे हैव टेकन प्लेस विद इन अ मंथ. मैं हो सकता है टू सर्कमवेंट दिस रूल, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 10 बार जमा करवाऊंगा बैंक में कैश. अभी टोटल तो 10 लाख हो गया, तो अगर एक महीने में मैं एक 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 1 लाख करके 10 लाख भी जमा करवाता हूं, दैट ऑल्सो शुड बी रिकॉर्डेड. ऑल कैश ट्रांजेक्शन हियर फोर्ज्ड और काउंटरफीट नोट्स हैव बीन यूज्ड, हियर नहीं वेयर होना चाहिए. ऑल कैश ट्रांजेक्शन जहां पर गलत नोट, जनरली आप जब नोट स्कैन करते हो बैंक, उनको मालूम पड़ जाता है कि आपका फ्रॉड ट्रांजेक्शन या नोट काउंटरफीट है या फिर नकली नोट है, उसको रिकॉर्ड करके रखो. All suspicious transaction. अगर बैंकर को लगता है कि ये transaction suspicious है, उसको उसका source नहीं मिल पा रहा, if he has any reason to think it is suspicious, he should record it. With respect to the transactions of 10 lakhs and more, the integrally connected 15, the information should be submitted every month before the 15th of the succeeding month. यानी कि इस महीने का जो भी ऐसा transactions हुआ है, मैं उसको submit करूंगा अगले महीने before the 15th of that particular month. Any transaction information relating to forged or counterfeit notes is required to be submitted within 7 days of date of occurrence. 7 din mein, agar aaj hua hai, to mujhe 7 din mein uska information dena padega government ko. About suspicious transactions, it should be informed in writing or fax or email to the director within a period of 7 working days from being satisfied that the transaction is suspicious. So, ye rules regulations thode maine highlight kar diye hain. Just English, you need to learn them. 3 stages of money laundering. 3 stages होते हैं money laundering के. पहला है placement. The first stage involves the placement of proceeds derived from illegal activities. पहले क्या करूंगा, collection of dirty money मैं bank में रखूंगा. उसके बाद क्या करूंगा, layering. Layering क्या करूंगा, separation, जो भी illegal source से separation करना है मुझे पैसे का. Complex transactions designed to obscure the audit trail and hide the proceeds. यहां से मॉरिशस, मॉरिशस से केमैन आइलैंड, केमैन आइलैंड से एक कंपनी में, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, दूसरे कंपनी से स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज से और कहीं पर इन्वेस्ट करे, एक कंपनी को खरीदा, एक कंपनी को भेजा. शेल कॉर्पोरेशंस, नकली कॉर्पोरेशंस जो होते हैं, जो ऐसी जगहों पर केमैन आइलैंड, मॉरिशस में एस्टैब्लिश होते हैं, उनको यूज करूंगा. ऑफशोर बैंक्स को यूज करूंगा. कंट्रीज विद लूज रेगुलेशन एंड सीक्रेसी लॉज, जैसे कि मैंने कहा आपको, इनको यूज करूंगा टू सेपरेट दैट मनी एंड कहीं 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 उसको सेटल कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि कहां सेटल हुआ है. इंटीग्रेशन, वंस ऑल दिस मनी हैज बीन लेयर्ड अलग 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 जगहों पर, नाउ आई विल स्टार्ट यूजिंग दैट मनी एज इफ इट इज माय नॉर्मल हार्ड अर्न मनी एंड आई विल मेक फेक पेपर ट्रेल्स, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स इनवॉइसेस लगाकर आई विल लेजिटिमाइज दैट पर्टिकुलर मनी एंड इंटीग्रेट दैट मनी विद माय नॉर्मल बिजनेस. बहुत लोग करते हैं, लेट मी टेल यू, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस. इनफैक्ट आई डोंट रिमेंबर लास्ट ईयर, वो कुछ तो पनामा पेपर्स लीक हुए थे या कुछ हुए थे, उसमें कितने कितने सारे बड़े बड़े लोगों का मनी लॉन्ड्रिंग का जो आया था, अमिताभ बच्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, सबका आप गूगल करके देखो पनामा पेपर लीक, आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा. चाहे वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इंडिया के बड़े पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, वर्ल्ड के स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हो, सबका उसमें नाम है कि दे हैव डन मनी लॉन्ड्रिंग. दे माइट हैव डन इट नोइंगली, दे माइट हैव डन इट अननोइंगली, डजंट मैटर, इट वॉज देयर मनी. एंड आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो कुछ बहुत बड़ा फाइन भी लगा, या मेसी को बहुत बड़ा फाइन लगा कुछ तो, एंड देन यू नो दे हैव बेसिकली पेड दैट फाइन. सो इट वॉज अ बिग लीक एंड देन पीपल गॉट टू नो कि ये मनी, ये लोग ऐसा लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी, बेसिकली वही है, अलग अलग जो भी कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, यू शुड ट्राई टू एंश्योर, बिकॉज इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. जब आप
टेक्नोलॉजी यूज करते हो, इट इज इट इट कैन बिकम अ लिटिल ट्रिकी, क्योंकि ज्योग्राफी से एक ज्योग्राफी से दूसरी ज्योग्राफी पैसा ट्रांसफर करना इजी हो जाता है, बट देन द बैंक्स हैव टू कीप अ टैब ऑन ऑल दी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन. इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं दिन में, इतने सारे अलग 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 टाइप के ट्रांजेक्शन करते हैं कि बैंक को भी ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बट देन दे हैव टू बिल्ड सॉफ्टवेयर लॉजिक योर रिव्यू सिस्टम्स, जिससे कि कोई भी सस्पिशन ट्रांजेक्शन जिसके मनी लॉन्ड्रिंग का लिंक हो, इट हैज टू बी आइडेंटिफाइड. फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, काफी सारा ये जो पैसा होता है दिस इज फंडेड फॉर टेररिज्म. अभी केमैन आइलैंड्स में मैंने एक बड़ा अकाउंट बना लिया, एक टेररिस्ट अलकायदा, अलकायदा का बैंक अकाउंट कहीं तो होगा, कहीं तो उसको पैसे आ रहे, कोई तो उसको कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है ना, तो कहीं तो बैंक अकाउंट होगा, कोई कैश जाके तो डिलीवरी कर नहीं रहा. वेयर आर दिस अकाउंट्स? वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऐसे अकाउंट्स विच आर यूज फॉर फाइनेंसिंग टेररिज्म, बट दीज हैपन आउट ऑफ दीज टैक्स हेवन्स, दीज बैंक्स, ऑफशोर बैंक्स, शेल कॉर्पोरेशंस. इट विल नॉट हैपन आउट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट विल हैपन आउट ऑफ सम बैंक विच इज सिचुएटेड ऑन मॉरिशियस या फिर केमैन आइलैंड्स या फिर स्विस बैंक. बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत रेगुलेशन ट्राई किया है बनाने का, बट देन इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सम कंट्रीज हैव केप्ट द रूल्स वेरी स्ट्रिक्ट ऑन गिविंग आउट इन्फॉर्मेशन, सीक्रेसी लॉज, हम किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, वी डोंट केयर किसका पैसा है क्या है, इट इज जस्ट देयर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड देन दे आर फॉलोइंग इट, पीपल आर मिसयूजिंग इट. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो इंडिया में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है दोस्तों, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इट इज देयर. पास्ड इन 2000, अमेंडेड इन 2008, द आईटीए रूल्स वेर पास्ड इन 2011, द एक्ट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक. पहले क्या होता था, जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस होते थे उसका कोई लीगल होल्ड नहीं था, आप जाके कोर्ट में बोल नहीं सकते थे कि देखो ये लीगल ट्रेल है मेरे पास एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन, कोर्ट वुडंट एक्सेप्ट इट बिकॉज देर वॉज नो लॉ अराउंड इट. नाउ आफ्टर दिस आईटी एक्ट 2000 दे हैव मेड अ फ्यू लॉज, जिससे कि जो आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है दे आर ऑल्सो फॉर्मल ट्रांजेक्शन, लीगलाइज ट्रांजेक्शन, बट स्टिल there is still a very long way to go in actually making it fully accountable. अभी भी बहुत सारी ऐसी obvious चीजें हैं जो अगर dispute होती है आपकी online transactions trading में, the court will not give you any relief because उसके लिए कोई law नहीं है. तो IT Act के बाद जो electronic signatures हुआ या फिर जो अलग अलग type के digital stampings हुए, those started getting legal legal eligibility and now people can sign online electronic signature कर सकते हो, which can be used as a contract which can be used as a document enforceable by law. Banks ke liye kya hua, banks now became liable both civil and criminally. Agar kuch bhi galat hota hai, bank is not able to do its service properly ya fir kuch galat kaam karti hai, to even if it is on an electronic platform, pehle unko kuch nahi kar sakte the, but after this act you can hold them accountable and unke against civil ya fir criminal proceedings chalai ja sakti hai. Jo phishing instances hote hain या फिर जो भी फ्रॉड होते हैं, अगर बैंक इज नॉट डूइंग इनफ टू प्रोटेक्ट द कस्टमर्स अगेंस्ट दिस, देन दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल. साइबर क्राइम, साइबर क्राइम्स क्या होता है, एनी क्राइम विच इज कमिटेड ऑनलाइन इज अ साइबर क्राइम. जैसे कि आपसे पासवर्ड लेके आपका पासवर्ड यूज कर लिया, चैट रूम ईमेल्स, चैट रूम्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू फिशिंग ईमेल्स आ गए, आपने किसी चीज पे क्लिक किया आपका पूरा कंप्यूटर उनके कंट्रोल में चले गया. फोर्जरी होती है, आपका जो डिजिटल रिकॉर्ड्स है, डिजिटल सिग्नेचर्स है, वो फोर्ज हो जाते हैं, आपके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, आपके कंप्यूटर्स को डैमेज कर दिया जाता है वायरस के थ्रू, हैकिंग हो जाती है कंप्यूटर की, वो सब ऑल आर योर साइबर क्राइम्स. अब इसके नीचे जो है दोस्तों, देयर इज नथिंग दैट आई कैन एक्सप्लेन. बेसिकली सेक्शन 43 प्रोवाइड्स फॉर पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम्स एक्सेट्रा. अगर कोई भी आदमी डैमेज करता है किसी भी कंप्यूटर प्रॉपर्टी को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी को, एंड व्हेन आई से डैमेज, इट इज नॉट अ फिजिकल डैमेज, डैमेज ऑल्सो मीन्स उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है, डेटा अनऑथराइज्ड वे से एक्सट्रैक्ट करता है या डाउनलोड करता है या कॉपीज बनाता है या फिर उस पर वायरस इन्फ्लिक्ट करता है या फिर हैकिंग करने की कोशिश करता है, ऑल ऑफ दिस इज कंसिडर्ड एज डैमेज. फॉर एनी रीजन, इफ मी I am not able to access my laptop due to whatever reason, चाहे वो physical damage है, चाहे वो virus के through है, चाहे वो कोई और coding है, hacking है, कुछ भी है,
कुछ भी डिलीट होता है, कुछ भी ऑल्टर होता है, इट इज ऑल अ साइबर क्राइम एंड इट इज ऑल पनिशेबल अंडर द सेक्शन विच हैज बीन स्टेटेड आउट, सेक्शन 43। वैसे ही काफी सारे अलग अलग सेक्शंस हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए पेनल्टी डिफाइन करते हैं। सेक्शन 65, टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स को मैं कंसील करता हूँ, चेंज करता हूँ, ऑल्टर करता हूँ, डिस्ट्रॉय करता हूँ विच शुडंट हैव बीन डन, देन इट इज एन ऑफेंस जिसके लिए पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर 3 years और फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 2 lakhs और विद बोथ। सेक्शन 66 जो ऊपर हमने सेक्शन 43 के ये देखे, ये सब जो भी क्राइम्स देखे उनका पेनल्टी यहां पर है। पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स, अगर आप किसी से चुराई हुई चीज लेते भी हो देन ऑल्सो यू विल बी जेल्ड और यू विल बी फाइंड, इवन द बायर इवन द सेलर। पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर मैं और किसी का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पासवर्ड यूज करके कुछ काम कर देता हूँ देन दैट इज ऑल्सो पनिशेबल। चीटिंग बाय पर्सनेटिंग बाय यूजिंग, मैं और किसी का ईमेल आईडी लॉग इन करके मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं तो वो आदमी हूँ एंड आई एम टॉकिंग टू यू एंड देन एक्सट्रैक्टिंग मनी या कुछ भी कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो पनिशेबल। सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन, जितना भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, जब मैं लॉग इन करता हूँ किसी सिस्टम पे, गूगल में लॉग इन करता हूँ, आई एम गिविंग माई नेम, आई एम गिविंग माई डेट ऑफ बर्थ, आई एम गिविंग माई हाउस एड्रेस, बहुत सारी चीजें जो पर्सनल है विच शुडंट बी लीक्ड आउट, दे हैव टू बी सिक्योर, दे हैव टू बी सेंसिटिवली सिक्योर्ड। इंडिया में उतने स्ट्रॉन्ग रूल्स नहीं, उतने स्ट्रॉन्ग लॉज एनफोर्समेंट है नहीं, बट अगर आप सिंगापुर में जाओगे या फिर यूएस में जाओगे, वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स कि जीमेल आपसे क्या डेटा ले रहा है, उसका क्या यूज कर रहा है, इट हैज टू डिस्क्लोज। अभी तो इनफैक्ट आप देख रहे हो कितना बवाल मचा हुआ है, फेसबुक, जीमेल, एप्पल, गूगल, सबको आपका डेटा चोरी करके मिस यूज कर रहे थे इन एन इलीगल वे। ह्यूज फाइन्स आर बींग इम्पोज्ड ऑन देम, बहुत प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर टू रेक्टिफाई दिस, बिकॉज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज लाइक योर एसेट, it cannot just be sold to anybody, it is your choice whether you want to sell it or you want to give it or not, and if you are giving it you should have the right to tell ki ha mereko isko dena hai isko nahi dena hai, you cannot sell it for free just like that, very important। privacy policies, mera jo information hai banking ka agar main baat karu to bank ke paas mera har ek information hai, aadhar card mein infact sabhi kuch aa gaya, mera address, mera naam, mera date of birth, sab kuch aa gaya। उसके बाद मेरे पासवर्ड्स, मेरे आईडी कार्ड्स, मेरे क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, पैसे कितने, सब कुछ है। प्राइवेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी बैंक शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी पॉलिसी एंड उसके साथ साथ दे शुड इंश्योर कि जो कस्टमर प्राइवेसी है दैट इज मेंटेन्ड। स्विस बैंक्स, दे विल डू एनीथिंग टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ देयर कस्टमर्स। एंड जब मैं प्राइवेसी बोल रहा हूँ, इट्स नॉट एज इफ कि मैं जाके पूछूंगा कि भैया एक्स वाई जेड पर्सन का मेरे को आइडेंटिटी, दे विल टेल नहीं, नहीं देंगे। इट्स नॉट जस्ट दैट, हैकिंग नहीं होनी चाहिए, बेचना नहीं चाहिए, किसी गवर्नमेंट को भी नहीं देना चाहिए, ऑफ कोर्स अनलेस एंड अंटिल द गवर्नमेंट इन दैट कंट्री आस्क्स इट्स बैंक। अभी स्विस बैंक इंडिया को नहीं देती डेटा बिकॉज इट इज देयर रूल, इट इज देयर प्राइवेसी पॉलिसी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटेन्ड बिकॉज बैंकिंग सिस्टम हैज ऑल योर कॉन्फिडेंशियल डेटा, इट इज योर मनी, वो अगर सिक्योर नहीं है देन कुछ भी सिक्योर नहीं है। दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 5, पार्ट 2, पार्ट 1 ऑलरेडी हो गया, इसके साथ पूरा EIS सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूं मैं। थैंक यू सो मच फॉर परचेजिंग दिस क्लास एंड ऑल दी अदर क्लासेस, जो भी आपने खरीदा है प्लीज रेफर कीजिए अपने फ्रेंड्स को कि हाँ प्लीज गो अहेड एंड बाय दिस क्लासेस, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आई एम श्योर इट विल हेल्प देम, इट विल हेल्प मी, इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प एवरीबडी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइस। EIS आपने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मेरे चैनल पाथवे टू CA विद CA अरिहंत पर यूट्यूब पर फ्री में अपलोडेड है, ऑल चैप्टर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मटेरियल, उसको रेफर कीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए, 60+ लाकर क्लियर कीजिए एग्जाम को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड become a chartered accountant very soon।